ड्रेस कैसा है? बहुत सुंदर है। मैं पिछले हफ्ते मुंबई गई थी ना, तो मेरे मंगेतर ने मेरे लिए खरीदा। ये क्या, तुम्हारी वो नहीं आए? वो आ रही होंगे। संभल कर, आखिरी घड़ी में कहीं वो तेरा दामन न छोड़ ले। मेरे वो वादे के पक्के हैं। आखिरी सांस तक वो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मुहूर्त की घड़ी करीब आ रही है और हमें चिंता हो रही है। मुझे भागकर जाना है और ले जाने वाला मेरा मंगेतर है। हमें टेंशन नहीं है, तो तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप? ये है रघुपति, इस कुंबे का मुखिया। बिग बी के बहुत बड़े फैन है। उनकी तरह सुपरस्टार बनना चाहते थे, लेकिन जब किस्मत ने साथ नहीं दिया तो बिजनेसमैन बनकर तंजावुर में सेटल हो गए। अरे कब से सजा रहा है इसको तू? अरे पहले ही सजाना चाहिए था ना भैया। ए जी, वधू की वेडिंग साड़ी अभी तक नहीं आई है, मुहूर्त का टाइम हो गया है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो, अभी आ जाएगा। ये है राघव, जैसे राम के लिए लक्ष्मण वैसे रघुपति के लिए राघव। टेंशन होने के अगले सेकंड रिलैक्स भी हो जाते। ए, इससे सब कुछ ज्यादा ही। तुम दुल्हन को तैयार कराने की बजाय यहाँ खड़ी गप्पे मार रही हो। कल्पना के फ्रेंड्स उसे रेडी कर रही हैं। अच्छा तुम कुछ मत करना। इनका नाम है राजा राम, दो बड़े भाई हैं। इस हिम्मत से ज्यादा परेशान नहीं है। सारा श्रृंगार पूरा हो गया क्या? अब क्या चाहिए आपको? इनका नाम है मौसम, रघुपति और राघव की छोटी बहन, और इनसे जो बात कर रहे हैं वो इनके पतिदेव के साथ घर जमाई है। जरा सुनिए तो, दुल्हन को शादी के मंडप में लेकर जाना है, लेकिन अवस्थी जी अभी तक लाल जोड़ा लेकर नहीं आए। आएंगे, अभी स्वामी जी समाधि में लीन हैं। ओहो, कब देहांत हुआ? ए बेवकूफ, समाधि मतलब ध्यान में लीन है। ओहो, तब तो बहुत देर हो जाएगी। 15 मिनट में मंडप में जाना है। घबराइए नहीं, 15 मिनट में साड़ी आ जाएगी। ये बात आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? साड़ी जो ला रहा है वो अपना शिवा है। अरे इतना तेज मत चलाओ, गुर्दे मुंह में आ जाएंगे। पंडित जी उठ जाइए। आइए अवस्थी जी, सब ठीक तो है ना? मेरा थोबड़ा देख के कैसा लग रहा है? कहीं मेरे बेटे ने आपको टेंशन तो नहीं दिया ना? मुझे डरा दिया, बस इतना ही। पंडित जी डर गए थे इसलिए लेट हो गया, वरना जल्दी आ जाते। महोदत की साड़ी ले लीजिए, इसे पकड़ो, हम लेट हैं। ओके, जल्दी निकलने के लिए कहो। गणपत राय जी अच्छे से हैं ना? सच बताऊं तो वो बहुत मजे में है। क्या है, क्यों इतना लेट हो गए? रजिस्टर मैरिज को इतना आसान समझ के रखा है तुमने। रजिस्ट्रार को पढ़ाना पड़ता है, विटनेस को पढ़ाना पड़ता है। इतने लोगों को पटाने के बाद ही तुम रजिस्टर मैरिज कर सकती हो। ठीक है, ये लो, स्वामी जी ने ये तुम्हें दी है, इसे पहन कराओ और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले लो। भैया, I love you. Love you too. Get ready fast. पपी पपी आजा आजा आजा। आपने देखा स्वामी, आपसे कितना प्यार करता है। सही बोला, बिल्कुल माँ की तरह इसे भी मुझसे प्यार है। आश्रम में था तो बहुत ही छोटा सा था, लेकिन अब तो बड़ा हो गया है, तुमने देखा ना? शिवा, अरे क्या बात है, बोलो तो, बहुत सारा काम जी अभी बता दो। अरे मंडप में भी जाना है, देर हो रही है। हाँ बेटा, एक मिनट रुकिए, आप वहाँ देखिए। आपने कल्पना, शादी के जोड़े में कितनी सुंदर लग रही है, यही दिखाने लाया हूँ मैं। अरे तो बाद में देख लेंगे। बाद में देखने का चांस मिले या ना मिले? क्या कहा, बाद में देखने का चांस नहीं मिलेगा? आप तो सब शादी की तैयारी में व्यस्त है, इसे करीब से देखने का चांस बाद में मिले या ना मिले, इसलिए करेक्ट ना? आओ आशीर्वाद लो। सदा सुखी, जीते रहो जीते रहो। क्यों रे, विदाई के समय आशीर्वाद देते ना, तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? विदा होने में तो काफी देर है, वैसे भी हम सभी थके मांदे हैं, आशीर्वाद नहीं जमा ही देंगे। सुनो, आशीर्वाद ले लिया ना, अब चलो, आप लोग जाइए अपना काम कीजिए, चलो जाओ। बहुत अच्छी लग रही है ना हमारी कल्पना। ए शिवा, सुबह तुम सरप्राइज देने वाले थे ना, क्या है वो? कोई बड़ी बात नहीं है, आप 10 मिनट में कल्पना के रूम में जाके देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। कल्पना, कल्पना कहाँ चली गई ये लड़की? भाग गई। मामा
गई। आखिर कल्पना की शादी हमने उसके प्रेमी से करवाई थी, देखा दोनों कितने खुश है। इसी तरह मुझे और प्रोफेसर पुष्पा को मिला दोगे तो कसम से कॉलेज की चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। तू अपने बकबक बंद करता है या नहीं? छे शिवा, अब आगे क्या प्लान है? तुम कौन सा मुंह लेकर घर जाओगे? अगर मैं घर गया तो अच्छी पिटाई हो जाएगी। घर जाना तो दूर की बात है, कुछ दिनों तक घर वालों से बचकर रहना होगा। वैसे अपने लिए हॉस्टल है, कॉलेज है, ऐसे ही कुछ दिन खुशी से बिताएंगे। क्या बात है, चलो 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 चलो। इतने लोग घर पे थे उसके बावजूद ये हादसा हो गया, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। अरे कौन से काम में व्यस्त है तुम लोग? वो शिवा तो सुभाष से सरप्राइज सरप्राइज बोले जा रहा था, किसे पता था कि वो इस तरह का प्राइज देके जाएगा हमें। कल्पना किसी से प्यार करती थी लेकिन घर के किसी सदस्य को ये बात पता नहीं थी, और वो शिवा जिससे वो प्यार करती थी उसी के साथ उसकी शादी करवा के हम सबके मुंह पर काली पोत दी है उसने। आज से हमारा उसका कोई संबंध नहीं, आज के बाद वो इस घर में नहीं घुसना चाहिए, किसी की जुबान पर उसका नाम नहीं होगा। That's all, okay? आखिर परीक्षा खत्म हो ही गई, अब ये सारी किताबें मैं कबाड़ी को बेच दूंगा। क्यों भाई? हाँ? इस साल तो पास हो जाओगे ना? बेशक। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो? तूने तो अच्छा लिखा है ना? जबरदस्त लिखा है, कॉन्फर्म है फर्स्ट क्लास। तो फिर मैं भी फर्स्ट आऊंगा। वो कैसे? क्योंकि तेरे पेपर पे मैंने अपना नंबर जो लिखा है। क्या कहा? फ्रॉड। अभी तक तुम लोग तैयार नहीं हुए? भला किस लिए? तू जैसी रोली पोली छुट्टियों पर घर जाती है, अब यहाँ हम हॉट पिए या कोल्ड पिए इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बोल तुझे क्या चाहिए? तेरा भेजा चाहिए। शिवा समझाओ ना इसे, चिनू की बुक देने आई हूँ। चिनू कहाँ गया? चिनू हे करेक्ट, दो दिन से लापता है, कहाँ गया होगा? एग्जाम हॉल में भी बड़ा परेशान लग रहा था। शिवा मुझे लगता है उसे कोई प्रॉब्लम है। हम तो उसी रास्ते से गाँव जाएंगे ना, हम उसे मिलकर ही जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। अभी क्या, उसके बिना तुम मर जाओगे यही ना? मैं नहीं, वो मर जाएगी। लड़कियों की बातों पर भरोसा करना ही गलत है, और खास करके इस डायलॉग पर भरोसा करना तो बहुत ही गलत है। डेविड, शादी कब हो रही है? आज ही। आज ही? सब कुछ लास्ट मिनट में बोल रहा है। तुम जाओ, जाके शादी की तैयारी करो, हम लड़की को उठा के लाते हैं। तुम मेरी बात सुनो। डेविड तो फूट ले। सुपर आइडिया है। अच्छा तुम लोग एक काम करो, इसकी शादी करवा दो, मुझे जरा जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। ये चाबी ले। अरे मेरी चाबी। मेरी चाबी देना। ए सुनना, मेरी बात तो सुन। अरे अरे उसकी शादी हो या ना, हमें उसे क्या मतलब है यार? आराम से बीयर वगैरह पीकर गांव चलते हैं ना। मैं पिलाऊंगा यार। कौन सा मंडप है पूछ लेना। ओके। क्या बात है, बिना रिस्क के बड़ी आसानी से काम हो रहा है ना। अब आ गया टकला। कैसे मिलना है? अब हम दुल्हन के फ्रेंड्स हैं, उससे मिलने आए हैं। थोड़ी देर में वो मंडप में आएगी, वहाँ जाकर उसे मिल लेना। नहीं वरना बहुत देर हो जाएगी। ये फॉरेन जा रही है, फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ। बेचारे उसे मिलना चाहती है। हाँ हाँ। मिलकर तुरंत आ जाएगी। प्लीज अमरीश पुरी जी। ठीक है, मिल लो जाके। थैंक यू सर। सो बहुत स्वीट है, चलो सर। थैंक यू। हम दोनों यहीं खड़े रहकर देखते हैं, तुम दोनों वहां जाके लड़के से मिल लो। हम दोनों चुपचाप चलो। यही है। हाँ। खटखटाओ। ओ सर क्या कर रहे हो? अरे 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 अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। चलो चलो चलो। अरे अरे बेहोशों की गिर गई थी, इसलिए अस्पताल लेके जा रहा तो दम ही निकल जाएगा। शिट। भाई दुल्हन को लेकर भाग गए। ये किसकी शादी हो रही है? अरे यार ये तो अपना चिनू है। ये क्या कर रहा है? चलो शादी रोकते हैं। चलो। तुम देख रहे हो ना, शादी कर रहा हूँ। अबे साले हम तेरी लवर को लेकर, और तू यहाँ किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है? तेरे इतने हिम्मत यार शिवा, देखना ये लोग बात बात पर मेरा गाल लाल कर रहे। तो क्या करूँ मैं,
जिससे मैंने प्यार किया तू उसे गाली देकर तो मैं चुप रहूंगा। तुम इससे प्यार करते हो तो वो कौन है? तो क्या करूं मैं, मुझे क्या पता। नहीं पता तो ये कौन है? ये तो वही है जिसके बारे में कहा था। ये वही है? अरे कौन वही है? ओ गॉड, यही मेरी माशुका है। तो फिर वो लड़की क्या बोल रहे हो तुम? हे भगवान, ये हो क्या रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बेचारी हाँ, और ये औरत कौन है? अरे माँ है। ओ, ये लड़की मेरे बेटे से शादी करने के लिए मंडप से भाग कर आई है, पता है तुझे? हेलो, वो भी आपके बेटे से शादी करने के लिए मंडप से भाग के आई? वो भला शादी के मंडप से भाग के क्यों आई? ये शादी के मंडप से क्यों भाग कर आई? भगवान, एक मिनट रुको। अंजू इधर आ। उस मंडप का नाम क्या बोला था तूने? आरएस शादी मंडप। और तूने क्या नाम बोला था? आर के शादी मंडप। और क्या? ए भाग कर रही है, पकड़ो उसे। ए रो, सॉरी भाई, सॉरी, कंफ्यूजन हो गया, सॉरी सॉरी। तो फिर ये लड़की कौन होगी? हाँ यार, कौन है? कौन है? कौन है? अरे इतना सोच क्या रहा है? कोई बर्थडे गिफ्ट खोल रहा है क्या? अरे ओपन करना, जल्दी से जल्दी खोल। हाँ हाँ जल्दी। देखो घोड़े बचकर कैसे सो रही है, लगता है सोने से पहले बहुत सारी फैनी पिकर सोई है। ए चल उठ। कौन है आप लोग? मैं कहाँ हूँ? अरे यार, मुझे समझ में नहीं आता फिल्मों की सारी हीरोइन एक जैसा डायलॉग हमेशा क्यों रटती रहती है। रियली? अरे तुम ऐसे नाच क्यों रही हो? Why not? जाने अनजाने में आप लोगों ने मेरी मदद जो की है। क्लोरोफॉर्म की मात्रा ज्यादा होने से शायद ये सटिया गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब तुम ऐसी हो? सचमुच मुझे वो लड़का पसंद नहीं था, तो मैं भागने की फिराक में ही थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे उठा लिया। क्या आप लोग मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हैं? हाँ, हमें कोई काम धंधा नहीं है ना, तुम्हारे लवर से भी मिलाना होगा। नो नो नो, मुझे प्रतापगढ़ पे ड्रॉप करके आप चले जाइए। हमने कोई ट्रैवल एजेंसी खोल रखी है क्या? ये मुमकिन नहीं है। वैसे रास्ते में पागल खाना पड़ता है, कहो तो तुम्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। हेलो, मुझे यहाँ से ले नहीं गया ना तो तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। क्यों, आगे नहीं जा पाएंगे? That's my sweet darling. आओ बताती हूँ। Follow me. चल हम भी तो देखें क्या दिखाती है। चलो चलकर देखते हैं। टूरिस्ट गाइड हो क्या? वहाँ देखो तो सही। कार रेस हो रही है। क्या बात है? Look there. एक ही लाइन में क्यों जा रही है ये गाड़ियाँ? और वो देखो। यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही है क्या? शूटिंग नहीं, सर्चिंग फॉर मी। अभी तक ये पता चल गया कि आप लोगों ने मुझे उठाया है, तो आप लोगों के वो लोग छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और कौओं को खिलाएंगे, वो लोग खुद ही खा जाएंगे। देख लिया, सारे फसाद की जड़ तू ही है। एक मिनट। हाँ, वैसे हम सबसे गलती हुई है, अब इसे सही सलामत इसके मंजिल तक पहुँचाना हमारा फर्ज है। चलो हम चलते हैं। हे भगवान, हमेशा ऐसे झमेले मारते रहते हैं, एक दिन मरवा कर रहेगा मुझे। चलो जल्दी करो, बैठो, पता नहीं आगे क्या क्या होगा। चलो बैठो बैठो, और कितनी मुसीबतें झेलनी होगी। चलो, मुझे तो डर लग रहा है, सब इसकी वजह से कहां जा रही हो? अच्छा, कह रही थी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई खास वजह है क्या? आपने मुझे बचाया है, इस बात का एडवांटेज मत लीजिए इडियट। थोबड़ा तो देखो। जल्दी से भगा यार, टायर घिसना जाए। जल्दी करो। अरे चल, अरे चल जल्दी। अबे मोटी, तुझे पीने की पड़ी है, यहाँ हमारी जान पे बनाई है। प्यास लगी है रे, दौड़ के आए हैं ना, इसलिए कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। अबे पगली, तू जो पी रही है वो कोल्ड ड्रिंक नहीं, पेट्रोल है। पेट्रोल? अरे यार सुना, ये पेट्रोल पी गई, गाड़ी रोक जल्दी से। अरे गाड़ी मत रोको, रोक दी तो वो हमारी जान ले लेंगे, इससे बेहतर है पेट्रोल पी के मर जाना। तुम चलो जल्दी, चलो जल्दी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पकड़े गए ना तो तुम लोग लटक जाओगे, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। जल्दी और तेज।
यहाँ का दरवाजा कहाँ गया? अरे बाप रे, ये तो पतंग की तरह हवा में उड़ रहा है। अरे मुंह बंद कर यार। अरे चलो, इससे अच्छी गाड़ी मिलती है। अच्छा सा होटल है क्या? अबे चुप ना। देखो खाने का सोचते रहता है। पहले अपनी जान बचा, फिर जान बना। अरे ये क्या है? मार देंगे, मार देंगे। जान बची और लाख उपाय। चलो 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 चलो। मेरी गाड़ी को डेड बॉडी समझकर ऐसे भाग क्यों रहे हो तुम लोग? गाड़ी के साथ तू भी मर जाएगा। अरे बाप रे, अरे अरे खाई है। अरे बाप रे, भागो भागो। इस तरफ चलो, इधर चलो, जल्दी। बेचारी उसे गली में ही छोड़कर आ गए। थैंक्स शिवा, एक तू ही है जिसे मेरी गाड़ी की फिक्र है। देख, मुझे तेरी खटारा गाड़ी की फिक्र नहीं है। तू उसे खटारा बोल रहा है? अगर वो गाड़ी नहीं होती तो वो गुंडे हमें खटारा बना देते। अरे यार, वो मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है, पता है तुझे? अभी प्रॉब्लम तेरे दादा को या फिर गाड़ी को लेकर नहीं है, गुम हो चुकी उस लड़की को लेकर है। तुझे मेरे दादाजी की फिक्र कहाँ है? तुम्हारे लिए तो वो लड़की सब कुछ है। ए, अभी एक आफत से बचकर आए हैं, अब उस आफत के पुड़िया का नाम क्यों ले रहे हो? नहीं अंजू, उस बेचारी को वो शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो किसी से शादी करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बिल ये बिल पहले ही मेरे हाथ में थमा सकते थे ना। तंदूरी चिकन, मिनरल वाटर। एक तो पहले से हालत खराब और ऐसे में तंदूरी चिकन और मिनरल वाटर चाहिए था। यकीन करो, ये सब मैंने नहीं खाया, मैं तो डाइटिंग पर हूँ ना। क्यों, तूने खाया? ओए, तूने खाया क्या? उन मैडम जी ने। अरे बाप रे, चलो पतली गली से भाग चलते हैं। पता नहीं कुत्ते की तरह सूंघते कैसे आ गए यहाँ। ए शिवा, तुम लोग मर्द हो क्या? यही जानने के लिए फिर से आई हो क्या? छी, जब एक लड़की डेंजर में हो तो आप लोगों से अकेले रोड पर छोड़कर आ गए? आप लोगों में इंसानियत नहीं है क्या? बेशक इंसानी है। सिंगम देखी है क्या? 25 बार देखी है। हाँ। सारे आम सिनेमा हॉल में एक गुंडे की पिटाई करके हीरोइन को बचाया था अजय देवगन ने, उसको मर्द कहते हैं। उसके लिए अजय देवगन को कितने पैसे मिले होंगे पता है? अगर उन्हें कुछ हुआ तो उनके आगे पीछे प्रोड्यूसर साहब है। हाँ। हमारे पीछे कौन है? सिवा इसके, इंडिया आने से पहले यहाँ के लोगों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, पर यहाँ के लोग तो। देखिए मैडम, हमारे बारे में कुछ भी बोलिए, इंडिया के बारे में कुछ मत बोलिए। क्या चाहिए आपको? प्रतापगढ़ जाना है ना, बस यही ना? hey, वो इंडिया के नाम पर तुझे झाड़ पर चढ़ा रही है, इमोशन में आके उससे कोई वादा मत करना। चुप रहो तुम, इंडिया का कोई अपमान करे तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। चलो इसे हम छोड़ देते हैं। फंसा दिया। थैंक यू। I'm पूजा, तुम्हारा नाम? एक्चुअली एक मिनट, आओ क्या कर रहे हो तू? झलक से ब्लू क्या? चलो चल, कम ऑन। उस लड़की के बैकग्राउंड से पता चलता है कि वो जरूर किसी विलन के खानदान की बेटी है, इसलिए कहीं अगर जरा सी भी गलती हुई तो हमारी बैक टूट जाएगी। सो हमारी किसी भी डिटेल के बारे में उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। ओके ओके ओके, ज्यादा ओवर एक्ट मत करना। चलो हाँ। बस ऐसे ही, वो पर्सनल है। गाड़ी गई तो खरीद सकते हैं, जान गई तो खरीद सकते हैं क्या? क्या बोल रहे थे? आई एम जैक्सन। हाय। ही इज संडा पानी। हां हां। ही इज प्रेम चोपड़ा। हेलो। हाय। शी इज गोलगप्पा। हाय गोलगप्पा। एंड शी श्वेता। सब लोग अपना अपना नाम याद रखना। ये अपना नाम क्यों याद रखेंगे भला? अब देखिए, दरअसल नाम याद रखने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। ठंडा पानी, तू जाके बिल पे करके आ जा। क्या बे, खुद का नाम तो तूने जैक्सन रख दिया और मेरा नाम ठंडा पानी रख दिया? ये नाम मुझे पसंद नहीं, तुरंत बदल दे। क्या यार, मंदिर जाकर अपना नामकरण थोड़ी ना करवा रहे, बस प्रतापगढ़ पहुंचने तक किया, जरा एडजस्ट कर लेना। उसके बाद गांव पहुंचते ही मैं तुम्हारी पसंद का सलमान खान या ऋतिक रोशन नाम रख दूंगा ना। क्या है बिल?
हाय हाय आ रही है सर, लिफ्ट लिफ्ट। इस थोपड़े को लिफ्ट कौन देगा भला? माइकल जैक्सन नाम रखने से ही काफी नहीं होता। तो क्या ब्रेक डांस करके दिखाऊं? दिमाग का इस्तेमाल कर। ओके। और ठंडा पानी पीछे जाओ। श्वेता तुम आओ। अब ये क्या करने जा रही है? पता नहीं शायद। अरे देखो कोई अकेला आदमी जीप में आ रहा है। हाईवे पर तितलियां खड़ी हैं। लगता है इनको मेरे जैसा स्मार्ट आदमी की जरूरत है। लो मैं आ गया। अब गोवा घूमने का प्लान कैंसल। अब तो यही मजा आएगा संतोष। हाय हाय बेब्स, माय नेम इज खान, संतोष खान। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? लिफ्ट प्लीज। तुम्हारे लिए जान भी दूंगा। जान दोगे तो हमें लिफ्ट कौन देगा? Come on, come on, take your seat. Come on. आज का मौसम बहुत अच्छा है। Let's go. संतोष को सीटी किसने मारी? वाह वाह वाह, नाइस जीप। कौन हो तुम लोग? यहाँ कैसे आ गए? हमारी साथ है। ओ, तुम्हारे आदमी है। पहले बोलना चाहिए था, मुझे लगा लूटने वाले डाकू लोग हैं। क्या बोला? रुक जा, बताओ तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ? तुम मुझे सिर्फ प्रतापगढ़ तक ड्रॉप कर दो संतोष। प्रतापगढ़? और साथ में मुझे ऑन द वे पुणे में ड्रॉप कर देना अंकल। नो अंकल, आई एम जस्ट 26। कितने बरस पहले? क्या हुआ? माय नेम इज खान, मेरा पूरा नाम है संतोष खान। मुझे प्यार से सब लोग बेबी खान बुलाते हैं। वैसे तुम शादी के जोड़े में क्यों? पूछ कर रहा है। वो क्या है, इसके घर वाले आप जैसे एक बुजुर्ग से इसकी शादी करवा रहे थे, इसलिए ये घर छोड़कर भाग कर आई है। दैट्स ऑल। कौन है ये बच्चा? ये बच्चा नहीं, मन का सच्चा है। तो बच्चा था लेकिन कल बाप बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है संतोष, वो ठंडा है। संतोष क्या है डार्लिंग? तुम्हें कुछ पता है? उसका नाम ठंडा पानी है। वेरी गुड, लाइफ में ऐसे एंजॉय करना चाहिए। ए बेबी खान, गियर नीचे है। ओह आई सी। फ्रेंड्स। हाँ बोल। जस्ट कीप इट। कहाँ तेरे सर पे गया? आई एम मूविंग। छी झूठा है, फेंक दो उसे। संतोष या ये बता, तुम जा कहाँ रहे हो? वीकेंड एंजॉय करने के लिए। ओह, फिर वीकेंड्स में क्या करते हो तुम? वीकेंड का वेट करता हूँ और क्या। ये सर बहुत ही बिजी है ना? हाँ। ये साइड में गाड़ी क्यों रोक रहा है? शायद इसे जोर से लगी होगी। तुम लोग काफी थक गए होगे, इसलिए एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। ओके। एक्सक्यूज मी, डू यू हैव एनी वेस्टर्न आउटफिट्स? हाँ? हाँ? तुम्हें इंग्लिश आती है ये पता है, लेकिन जरा ये तो देख लो कि सामने वाले को आती है या नहीं। करेक्ट। सुनो, एक्चुअली यू नो लाइक थू, देखिए लेडी शर्ट और पैंट जो भी होगा जरा इन्हें दिखाइए आप। यही तो मैं भी कहने जा रहा था, थोड़ा इंग्लिश बोल देता तो क्या जाता। कौन देगा पैसा? तू देने वाला है? हाँ मैं ही देने वाला हूँ। तू मुंह फाड़ कर क्या देख रहा है? उस बच्ची को उसके साइज की एक अच्छी सी शर्ट देना, चलो। इसमें सारी लेडीज ड्रेसेस हैं, आपको जो पसंद हो आप ले लीजिए। ठंडा पानी, इन दोनों में से कौन सी अच्छी है? यू सी, एक्चुअली कलर वाइज दिस इज लिटिल डल, आई थिंक दिस शुड बी फाइन। ये बात है क्या? तो ये नहीं चाहिए। ट्रायल रूम कहाँ पर है? ट्रायल रूम? हम किसी बड़े शोरूम में है क्या? तुम जाकर चेंज करके आओ। इसकी दुकान ही पूरी ट्रायल रूम की तरह है। नो हे, माय नेम इज संतोष। ये जीप किसकी है? दिस इज माय जीप। क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है? दिस इज माई लेटेस्ट डार्लिंग, मैंने इसे पिकअप किया था। क्या तूने इसे उठवाया? सड़क पर खड़ी थी, मैंने लिफ्ट दे दी। ये देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है। दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग, शाहरुख ने गाया था ना, इसे गाता हूँ तो बहुत मजा आता है, दिल झूम उठता है। वो सब कहाँ है जो इस लड़की के साथ है? ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? घूम तो जरा। वन मिनट, ये पोजीशन सही है? ये तेरे साइज की नहीं है। जानती हूँ, इसने मुझे धोबी समझ कर रखा है क्या? तू नहीं उठवाए सर उसे? बोल, कहाँ है वो? मार डाला। अरे बोलो, गाड़ी जल्दी भागो, अंदर चलो, चलो। अगला यहाँ पर भी आ गया, लगता है वो हमें नहीं छोड़ेगा। वो उस दुकान में गई थी। अब चलो वहाँ देखते हैं। अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? इस टकले ने तो परेशान कर रखा है। ये लड़की यहाँ आई थी? बोल, आई थी कि नहीं? हाँ, अभी उधर गई है वो। चलो वहाँ देखते हैं। उधर जाओ, आधे उधर जाओ, चलो।
करेंगे हम? कुछ देर ऐसे ही खड़े रहेंगे ना। What? मतलब जब तक वो चले नहीं जाते तब तक ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा ना। क्या खुशबू है। नाजायज फायदा मत उठाओ। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है, फायदा कैसे उठाऊं? शिवा, एक छोटा सा शक है, क्लियर करोगे क्या? गली गली में अनारकली है कहते हैं, क्या ये वही है? तेरी जात का बैदा मारो, अपना मुंह बंद रख। साले टकरा में दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। मेरी तो सांस फूल रही है। देखो वो लोग पूजा का पीछा कर रहे हैं, हम लोग साथ रहेंगे तो जरूर फंस जाएंगे। तुम लोग गांव जाओ, मैं पूजा को सही जगह पर छोड़ कर आता हूँ। नहीं यार, ये बहस करने का वक्त नहीं है। शिवा संभल कर यार। हाँ ओके चलो। आओ चलते। हाँ, हाँ। ए, जल्दी चल। अरे यार। क्या हुआ? मैं बहुत थक गई हूँ, यही कहीं रात नहीं गुजार सकते क्या? नहीं नहीं। क्या चाहिए? नहीं नहीं। सुनो, तुमने अभी तक अपना किसी को दिल दिया है या अभी तक तुम अकेली हो? हाँ गोलगप्पा ने बताया, जहाँ दो लड़कियां कुछ देर के लिए तन्हा मिल गई तो समझ लो सारी दुनिया की खबर इकट्ठा हो गई। खैर छोड़ो, वो लड़की कौन थी, कहाँ रहती थी, फिर से मुलाकात हुई? हाँ हुई। मुलाकात हुई कहाँ? वो मुलाकात होगी बोलने वाला था। ठीक है ठीक है, उससे मुलाकात हो भी जाती है तो वो तुमसे प्यार करती है, इस बात की क्या गारंटी है? तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो? गारंटी वारंटी तो सब देखकर खरीदने के लिए है, ये तो प्यार है ना, कोई मिक्सर ग्राइंडर तो है नहीं। ओहो ठंडा पानी, तुम्हारे फिल्मी डायलॉग जो है ना वो सब आजकल की लड़कियों पर वर्कआउट नहीं होता। जैसा तुम्हारा नाम है ना वैसी तुम्हारा लव भी है। अच्छा वो छोड़ो, देखने में कैसी है वो, बस पहली नजर में तुम्हें कैसे फील हुआ बताओ? ठंडा पानी, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? पापा है, उनका बड़ा भाई है, छोटा भाई है, उनकी वाइफ है और बहुत सारे लोग हैं, बड़ी फैमिली है। मेरे ताऊ जी बड़े गुस्से वाले हैं लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं, हर गलती पे गुस्सा करके माफ कर देते हैं।
किसी को जरा सी भी अगर तकलीफ हो ना तो वो दिन रात एक कर देते हैं उसकी तकलीफ दूर करने के लिए। Overall, I miss them. कुछ भी कहो, फैमिली आखिर फैमिली होती है, और सच कहो तो ये छोटी छोटी बातें ही होती है जो हमें उनकी याद दिलाती है, और हम उन्हें मिस करते हैं बीती बातों को याद करके। अचानक तुम आए और मुझे शादी में से उठवा लिया। बहुत सारे लोग पीछा कर रहे हैं, किस लिए ये सब पूछोगे? नहीं, अगर मैंने पूछा तो कहोगी नाजायज फायदा मत उठाना, इसलिए नहीं पूछा। मेरे पापा यूएस में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। एक एक्सीडेंट में मेरे पापा मम्मी दोनों की मौत हो गई। माँ के दो मुंह बोले भाई हैं, उल्लासनगर में रहते हैं और मुझे बहुत चाहते हैं। जब भी हम इंडिया आते हैं तो फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। पापा के मरने के बाद उनकी दौलत मेरे नाम हो गई। दौलत की खातिर दोनों मामाओं ने उनकी पहचान के लड़कों से मेरी शादी कराना चाही। बड़े धूर्त हैं, दौलत के लिए भी कोई ऐसा करता है क्या? बल्लू मामा ने शादी की तैयारियां कर ली थी, तभी तुमने मुझे वहां से उठा लिया। ओके शिवा, मैं चलती हूँ। थैंक्स। नहीं, फ्रेंड के घर तक आके अब नहीं शिवा, यहाँ इतनी दूर तक मेरे लिए आए यही बड़ी बात है। और फिर घर में उसके पेरेंट्स होंगे ना, वो पूछेंगे कि तुम कौन हो, इसलिए ठीक है, संभल के जाना, फोन करना। ओके बाय बाय। बेटी, अब कार्तिका की फ्रेंड हूँ, गांव से आई हूँ। सब परिवार तिरुपति गए हैं और उन्हें आने में 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। ये क्या यार, दादी मरे तो भी पार्टी, विदेश जाओ तो भी पार्टी, ये कहाँ का इंसाफ है? पटाखा मस्त है यार। छोड़ना, चलते हैं। ठीक है, वो भाग गया, फायदा मत उठाना। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम यहां कैसे, यहां किस लिए वेट कर रहे हो? चाय पी रहा था। क्या हुआ, तुम्हारे फ्रेंड का घर? कार्तिका मम्मी पापा के साथ बाहर गई है और 5 दिन के बाद ही आएगी। मैं घर भी नहीं जा सकती हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर इसे एडवांटेज ना समझो तो
मैं कुछ कहूँ? जानकी, मेरा नाम आपको कैसे पता है? तुम्हारे बारे में सब पता है। हेलो। और आपका नाम? आई एम पूजा। पूजा, नाइस नेम। प्लीज कम कम। हाँ तो मैं बोल रहा था, हाँ कल हम इससे मिलेंगे। नमस्ते रघु अंकल। लेकिन रघु तो मुझे सिर्फ स्वामी जी ही पुकारते हैं। और मुझे उन्होंने ही भेजा है अंकल। ओ, स्वामी जी ने भेजा है आपको? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बेटी। नहीं कोई बात नहीं अंकल। इट्स ऑल राइट, तुम बैठो ना। नमस्ते। नमस्ते लक्ष्मी आंटी। नमस्ते सुंदरी आंटी। हाय सत्या। हे मंजू कम। तुम स्कूल नहीं गई? आई एम सॉरी, यहाँ क्यों आई हो ये कहना भूल ही गई। मेरे लिए ही ना। मेरे मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में मर गए। ओफो, लॉरी ने टक्कर मारी? दरअसल मैं स्वामी जी के आश्रम में ही पली बड़ी हूँ। मुझे यहाँ के मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है। कॉलेज ओपन होने के लिए और 15 दिन लगेंगे। उससे पहले मुझे रहने के लिए बुक्स, हॉस्टल, ये सब। यहीं रह के ढूंढ लेना, इसे अपना ही घर समझना। मैं आपकी मदद करूँगा। स्वामी जी हमारे लिए देवता समान है। इस घर में जितना दिन रहना चाहती हो रहकर तुम अपनी पढ़ाई कर सकती हो। सुधा जी, इसका सामान अंदर रख दो। किस कमरे में रखूं? बाथरूम में रखो, ये भी कोई बात है? मेरे कमरे में रख दो। एक काम करो, शिवा का कमरा खाली है, वहीं पे रखवा दो। ठीक है। शिवा कौन है अंकल? वेरी वेरी बैड पर्सन, बिहेवियर ठीक नहीं है, इसलिए अंकल ने उसे बाहर निकाल दिया। ए, मुंह बंद रखो, जाओ बेटी तुम जाकर तैयार हो जाओ। थैंक यू अंकल। आंटी, अंकल डेली उस शील को देखकर क्यों मुस्कुराते हैं? उन्हें एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट है। कॉलेज के जमाने में दुर्योधन का कैरेक्टर किया, इसलिए उन्हें स्टेट अवार्ड भी मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके फेवरेट हीरो MGR के हाथों शील मिली है ना, इसलिए देखते रहते हैं। अच्छा। ये यहाँ? इसे पूछो कि यहाँ किस लिए आया है। ए, क्या कहा, सुना नहीं तुमने? बोलो यहाँ क्यों आए हो? मैं तो पड़ोस में गया था। ये तुम्हारा घर नहीं है, पड़ोस का घर तुम्हारा है, वहां जाओ कहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। वहां शादी करके खुशी से जी रही है वो, आप खामखा मुझ पे नाराज हो रहे हैं। आपने देखा मामा किस तरह सफाई दे रहा है? ए, वो तो ना समझ है, उससे अनजाने में गलती हो गई है। अनजाने में नहीं, जानकर ही सब किया उसने। लास्ट मिनट में मुझसे आके कहा कि अशोक के बिना वो जिंदा नहीं रह सकती। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, इसलिए मुझसे जो हुआ मैंने किया। उससे आप लोग रोज फोन पे बातें तो करते ही है ना? मामा देखा आपने, सारी इन्फॉर्मेशन गेदर करके पधारे हैं जनाब। गुस्से में पैसा भेजना भी बंद कर दिया, हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं खाने के लाले पड़ गए थे। देखो मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। ये बलवान कब दादू बड़ा फेंकता है। क्या कहूँ, पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। नोट द पॉइंट, पीनी भी शुरू कर दिए इसने। रात को आप जो पीते हैं वो नहीं मामा, मिनरल वाटर। खैर डेविड था इसलिए इतने दिन मैनेज कर लिया मैंने। तुम्हारी मदद उस निकम में डेविड ने नहीं की है, तुम्हारे ताऊजी हर महीने डेविड को पैसे भेजकर तुम्हें देने के लिए कहते थे, यही सच है। क्या कह रहे हैं आप? अबे पप्पी कमीने, तूने मुझे धोखे में रखा। ठीक है वो छोड़िए, या तो गुस्सा थूक के मुझे अंदर बुला लीजिए,
या फिर मुझे भूल जाइए, मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाके रह लूंगा। हाँ तू भाग जा यहाँ से, इसी में भलाई है। पूजा। अंकल। तुम यहाँ आओ बेटी। बोलिए अंकल। देखो यही शिवा है। ओ। इसे माफ करके अंदर बुला लूं क्या? अंकल बुरा मत मानिए, ये आपके घर का मामला है, इसका फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझसे ये नहीं होगा। वो बात नहीं है बेटी, तुम स्वामी जी के आश्रम में उनके कंट्रोल में पली बढ़ी हो ना, यही नहीं तुम्हारे फैसले को हम स्वामी जी का फैसला समझेंगे, इसीलिए तुमसे पूछ रहे हैं। बोलो। सच पूछो तो ये माफी के लायक नहीं है। क्योंकि इनकी गलती बहुत बड़ी है। भगवान गीता में कहते हैं कि गलती करने वाले को छोड़ देना चाहिए, पर ये इतना भोला है बेचारा कि बाहर तनहा जी ही नहीं पाएगा। सच। इसीलिए मैं कहती हूँ कि माफ कर दीजिए बेचारे को। अरे रे 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 रे, उम्र में इतनी छोटी हो फिर भी कितनी ज्ञानी की तरह बातें करती हो, आज तुम्हारे कहने से मैं इसे माफ कर देता हूँ। हाँ उसे बोलो कि अंदर आ जाए। ताऊजी, थैंक यू ताऊजी। अरे अरे बस कर, बस कर। पापा, थैंक यू पापा। अरे अरे अरे, मैं इधर हूँ इधर। सॉरी, थैंक यू पापा। चल बेटा, मुझे खाना नहीं है, भूख लगी। काफी दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। ओह आई सी। हॉस्टल में काफी कमजोर हो गए, डाइटिंग में था। इतने दिनों तक यहाँ पर इन सब के होते हुए भी मुझे कोई कमी खटक रही थी, ऐसा फील हुआ था मुझे। इसके आने के बाद लगता है वो पूरी हो गई। कल्पना ने गलती की, उसके इल्जाम को इसने अपने सर पर ले लिया। अगर कोई परेशानी में हो तो ये उसे अपनी जान भी देकर बचाता है। गुड, तुमने एक्टिंग अच्छी की, आई अप्रिशिएट यू। लेकिन जरा सावधान रहना, घर वालों को कोई भनक ना लग जाए। मैं क्या तुम्हारी तरह हूँ क्या जो ऐसे? क्या? कुछ नहीं, सब तुम्हारी तरह शार्प है, यही तो कहा मैंने। कमिंग टू द पॉइंट, तुम्हें हिचकी आती है क्या? हिचकी? ऐसे हिकप्स? बहुत आती है, कब आएगी ये पता नहीं। उसे कभी भी आने दो, तुम्हें अगर कभी मुझसे बात करनी हो ना तो हिचकी जैसा साउंड करना, ये हमारा सीक्रेट कोड रहेगा। हे भगवान, तुम्हें ये ऐसे ऐसे आइडियाज कहाँ से आते हैं पता ही नहीं मुझे। यूँ तारीफ मत करो। हाँ? तुम्हारी तारीफ? हाँ। इस तरह के बेकार आइडिया सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही आ सकते हैं। क्या बेकार है, मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि सुपर है। ओह, कोड के बारे में सबको बता दिया, तो उसमें कैसे सीक्रेट आया? क्या ठंडा पानी। आई टोल्ड यू आई एम नॉट ठंडा पानी। सच कहूँ तो वही नाम तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम्हें आसान लग रहा है क्या? लेकिन आइडिया ढूंढना आसान नहीं है पूजा, सारी रात मैंने जाकर सोचा है। वो आइडिया पूरी लाइफ बदल देगी पता है, माइंड में फिक्स करके रखना, भूलना मत। हिकअप। क्या? टेस्ट कर रही थी। हाँ ठीक है। अहमदनगर के हाईवे पे पड़ा था। सर पर गहरी चोट लगने के कारण कोमा में चला गया। वीरू की आंखें खुलने से पहले उसका यह हाल करने वालों की आंखें बंद कर दो। नो ना शिवा। अरे अरे ये बेटा खाना, अरे खाना बहुत अच्छा बन रहा है, जरूर ये बड़ी अच्छी है, बस बस बहुत हो गया। अरे मां मैं बच्चा पूरी हूं। अरे खा अरे खा ले। बड़ी माँ। हाँ। छोटे स्वामी जी आए हैं। ठीक है बेटा अभी आती हूँ, छोटे स्वामी आए हैं, तुम कॉफी बना कर ले आना। किस लिए झूठ बोला तुमने? हाँ? किसने कहा मैंने झूठ बोला अंकल? देखा तुमने, हिचकी बंद हो गई ना पूजा, इसी को कहते हैं शॉक ट्रीटमेंट। आ
आश्रम से छोटे स्वामी जी पधारे, अब क्या करूं बोलो। डैडी मम्मी घर पर नहीं, अब हमें कोई डर भी नहीं, आजा बाहों में ले ले ओ मेरे यारा। हाय स्वामी जी, कैसे हैं? ओह शिवा, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? पूजा जब से आई है मैं एकदम ठीक हूँ। कौन है ये पूजा? अरे वही जिसे स्वामी जी ने भेजा था आश्रम से। ओह अच्छा डैगी। अनजाने में भी इस लफ्ज का प्रयोग मत कीजिए, मेरे ताऊ जी सुन लेंगे। हाँ क्यों? उन्हें उससे बहुत प्यार है। वो याने? अरे वही। अरे डॉगी। अरे कहा ना नहीं कहना। अरे पूजा पूजा। हाँ। ये बता इस पूजा का डॉगी से क्या संबंध है? काफी गहरा संबंध है, गलती से भी आप ताऊ जी के सामने डॉगी लफ्ज का इस्तेमाल मत करना। ओके ओके मैं समझ गया। समझ गए? भूलना नहीं है। अच्छे से समझ गया, देख लूंगा। नमस्ते स्वामी जी, कुशल मंगल से हैं? सब कुशल मंगल है। आश्रम में सब लोग कैसे? वो बहुत अच्छे से हैं, कुशल मंगल है। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। स्वामी जी ने ये भेजा है आपके लिए। बहुत खुशी हुई। बैठिए। नमस्ते स्वामी जी, ये लीजिए कॉफी। लक्ष्मी पूजा कहाँ है? अभी बुलाती हूँ। पूजा? स्वामी जी आपने पूजा के बारे में पूछा ही नहीं। वो आपकी छत्र छाया में आ गई है तो उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं, आप उसकी अच्छी तरह से देख रेख करेंगे। सच बताऊं तो अब वो हमारे घर की सदस्य बन गई है, बहुत अच्छी और भोली है वो। भोला होना चाहिए। खाने पीने की समस्या नहीं है, थोड़ा वजन बढ़ गया है। लेकिन हमें तो लगता है कि वो वैसी की वैसी ही है, कोई बदलाव नहीं आया है, बस खाना ठीक से नहीं खाती। मेरे ख्याल से शर्मा रही है। शर्मा रही है? दाल में कुछ काला है, काटता है। काटता है? वो छोटी बच्ची है क्या? शादी के लायक हो गई है वो तो। शादी लायक हो गई है? इन्हें हो क्या गया है? स्वामी जी पूजा के लिए कोई रिश्ता देखा है क्या? पूरा परिवार पागल है क्या? फिलहाल तो स्वामी जी ने कहा है इसके बारे में मत सोचो। वैसे अक्टूबर के पहले हम लोग पूजा के लिए कुछ करना चाहते थे। अरे बाप रे बाप, पूजा को अक्टूबर में बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। स्वामी जी अगर आप ओके कहें तो किसी अच्छे बंधन से उसे बांधने के लिए तैयार हैं। अगर हम लोग उसे बांधेंगे तो उसे गुस्सा आएगा। फ्री होने दीजिए। जमाना खराब है और ऊपर से काफी आजादी दे दी, तो जो ना होना है वो भी हो गया। तो जो नहीं होना है वो हो गया, समझा नहीं? आपकी इच्छा है तो घर में ही कहीं बंधन में बांध दीजिए। कोई भी फैसला करने से पहले हम लोग आपसे पूछकर ही आगे बढ़ेंगे स्वामी जी। बेचारी माँ बाप भी मर गए हैं इसके। करेक्ट। माँ बाप भी मर गए, अगर कुछ देर और यहाँ रहा तो पागल हो जाऊंगा। अच्छी बात है, अब आज्ञा दीजिए। ये बाला कौन है? कौन? ये हमारे घर में काम करती है, सुधा नाम है। बहुत अच्छी बाला है। नहीं हुए? हाँ चेक कर लिया। एक बार फिर चेक। अच्छा सब खामोश क्यों खड़े हैं? शिवा इन बच्चों को अब तक स्कूल ले जाकर छोड़ा क्यों नहीं? अभी छोड़ता हूँ। ठीक है चलता हूँ। चलो। किसने तोड़ा? जवाब दो, किसने तोड़ा ये? तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, सब खामोश क्यों हैं? अरे बोलते क्यों नहीं तुम लोग? आज सिर्फ
गलती से, अनजाने में। अनजाने में कितनी आसानी से कह दिया कि अनजाने में टूट गया। कितने सालों से इसे मैंने संभाल कर रखा है ये बात तुम जानती हो? इसकी वैल्यू तुम्हें पता है क्या? कहती हो कि गुरुजी के घर से आई हो, कितनी आसानी से कह दिया। किसी के घर में गेस्ट बनकर आने पर कैसे रहना है ये बात भी नहीं जानती हो तुम। तुम्हारा कसूर नहीं है, घर में आने वाले गेस्ट को किस हद तक सर पे चढ़ाना है ये हमें सोचना चाहिए था, तुम्हें नहीं। एक बात याद रखना, तुम बाहर से आई हो इसलिए तुम्हें माफ कर देता हूं। भैया क्या बात है बोलो। शील्ड मैंने तोड़ा है, पूजा ने नहीं। हाँ भैया, रुको पूजा, सुंदरी से हमें सारी बात पता चल गई है। तुमने ये इल्जाम अपने सर पर क्यों ले लिया बेटी? रघु अंकल के लिए इस घर के लोगों के दिल में जितनी इज्जत है उतना ही डर भी है। नीचे गिरकर टूटने वाले शीशे के टुकड़े से भी काफी कोमल है इस घर में रहने वालों का दिल। गुस्से में अपने कहीं सुंदरी आंटी को कुछ कहा हो तो वो उन्हें बहुत ही तकलीफ हुई होगी, और उसके बाद वो सोचकर आपको कितनी तकलीफ हुई होगी ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इसीलिए मैंने झूठ बोला था। की गई गलती को मानने के लिए बहुत बड़प्पन होना चाहिए। जो गलती की ही ना हो उसका इल्जाम अपने सर पर लेने के लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। मैंने तुम्हें डांटा, इस बात का मुझे बहुत दुख है। मुझे माफ कर दो बेटी, माफ कर दो बेटा। अंकल नहीं बेटा, छोटी सी बात की वजह से बहुत सारे परिवार बिखर जाते हैं बेटा। तुम मेरे परिवार के बारे में इतना सोचती हो जानकर बहुत अच्छा लगा बेटा। मेरे परिवार में किसी का दिल ना टूटे इसलिए तुमने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। अब तो तुम मेरे ही परिवार के सदस्य हो बेटा। सुनिए, आपके वंश के इकलौते वारिस शिवा के लिए किस तरह की बहू लाना चाहते हैं ये मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि विदेश की लड़कियों की तस्वीरें सेलेक्ट करके लाया हूँ। सेलेक्ट छोड़िए, अच्छी जोड़ी होनी चाहिए भाई। बेशक शिवा। कॉफी, आर यू रेडी? आपका हुक्म सर, आंखों पे ताऊ जी, मैं अभी आया। इस बच्ची का नाम है तब्बू, तेंदुए की तरह भागती है। किसके साथ? अरे तुम भी। स्पोर्ट्स वूमेन, दौड़ प्रतियोगिता की वीरांगना, विश्व भर में मशहूर है ये। हमें हमारे बेटे के लिए अच्छी बहू चाहिए, कोई वीरांगना नहीं। सही बात है। ओके, रिजेक्टेड। इस बच्ची का नाम है सौम्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माँ IAS, पापा IPS। वैसे शिवा और इसकी जोड़ी अच्छी जमेगी। क्यों बेटे, तुम्हें पसंद आई कि नहीं? ओके सुपर, आके मूंद कर भी 90 मार्क्स दे सकते हैं। आहा, बहुत बढ़िया। ओके ओके बहुत बढ़िया। अरे अरे कहाँ जा रहा है तू? एक मिनट, बाथरूम होके आता हूँ। अरे बेटा, तुम्हें ये लड़की पसंद है कि नहीं ये बताकर तो जाओ। इतनी जल्दी भी क्या है, बोल के जान। मैं वापस आकर बोलता हूँ, प्लीज अभी। अरे शिवा, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ? बहुत जरूरी काम था वहाँ, क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? किस तरह के इंसान हो तुम? अब क्या किया मैंने? क्या तुम भूल गए कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो? हाँ पता है, तो क्या? तो क्या हुआ? उस लड़की का इंतजार करना छोड़ के किसी और लड़की से शादी करना चाहते हो? हाँ, किसी मोड़ पे मिली थी वो, उसके लिए सारा जीवन बिताऊं क्या? और इसके भी क्या गारंटी है कि वो मुझसे प्यार करती है? वो मेरा बीता हुआ कल था, तो भूलना ही बेहतर है। ये कहने के लिए बुलाया क्या? क्या? उस दिन चांद को देखकर गाना गा रहे थे ना? उस दिन मेरा अच्छा मूड था तो मैंने गाया।
और एक फोटो देकर तुम ये कैसे फिक्स कर सकते हो कि यही तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनेगी? और भी फोटोज है क्या, मैं देख के आऊं? ओफो, अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें उस लड़की से डायरेक्ट मिलना चाहिए। जब भी तुम किसी लड़की से मिलोगे ना, तो तुम्हारे अंदर से वो ख्याल आना चाहिए हाँ। कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है और तुम भी उसके लिए हाँ। और इसके लिए अगर अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़े तो कोई भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तुमने कही हुई बातें उस लड़की में है, चेक करके आऊं? ए, पागल हो गए हो क्या? डिटेल्स में बोल रही हूँ, समझ नहीं रहे हो? बेवकूफ हो क्या? इस तरह से तुम अधिकार क्यों कर रही हो? मैं किसी से भी शादी करूं, इससे तुम्हें क्या, क्यों टेंशन ले रही हो? मैं कहां टेंशन ले रही हूं? कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, ये तो तुम मेरे फ्रेंड हो, इसीलिए मैं तुम्हें बर्बाद होने से पहले बचा रही थी, वरना तुम जाओ उस सेमिया लड़की से ही शादी कर लेना। सॉरी, वो सेमिया नहीं, सौम्या है। सेमिया। आओ शिवा, क्या हुआ? क्यों बेटे, बाथरूम के बाद कोई अच्छा ख्याल तुम्हारे मन में तो जरूर आया होगा। तुम्हारे जवाब का हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अरे झट से बोलना सौम्या, तुम्हें पसंद है। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। शिवा हा? क्यों, 90 मार्क्स दिए तूने? पढ़ाई के लिए 90 मार्क्स ओके हैं, लाइफ के लिए 100 मार्क्स चाहिए। तो तुम ही बताओ कि तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए, बताओ। वो लड़की को देखते ही ये फील होना चाहिए कि वो मेरे लिए बनी है। उसके लिए कोई भी रिस्क उठाने का ख्याल आना चाहिए, और जरूरत पड़ी तो उसके लिए घर वालों से भी छोड़ बोलने की हिम्मत रखूंगा मैं। You are my love. You are my destiny. हे, घर के सारे लोग कहाँ गए? सब लोग स्वामी जी के आश्रम गए हैं। स्वामी जी के आश्रम में वो उस लड़की का क्या नाम है, पूजा, कहाँ है वो? उसे भी साथ लेकर गए हैं। पूजा, इस अंकल की बात का बुरा मत मानना, तुम्हारे मन में शिवा ही है ना? कोई बात नहीं बेटी, बेझिझक कहो। वैसे लड़कियां कुछ खुलकर नहीं कहती, इसकी मुस्कुराहट देखकर आप नहीं समझे क्या? मैं तो समझ ही गया था, इसीलिए इन दोनों की शादी के बारे में बात करने के लिए हम एक मुख्य स्थान पर जा रहे हैं। कहाँ जा रही है जानकर पूजा स्वयं चकित हो जाएगी। कहाँ अंकल? जिस आश्रम से तुम यहाँ पे आई थी। बेटी पूजा, इस तालाब में जो नहाता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ अंकल। तुम सब नहाकर तैयार हो जाओ, हाँ। इस बीच मैं स्वामी जी से बात करके पूजा की सारी तैयारी पूरी कर लेता हूँ। अब जाओ, सबको लेकर हाँ, हाँ। जा। चलो चलो, चलो। प्रणाम स्वामी जी। ओ रघु, आओ बैठो। घर में सब कुशल मंगल है ना? आपकी दया से सब कुशल मंगल है स्वामी जी। बुरा ना माने तो मैं आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ स्वामी जी। अच्छी बात है, बोलो। ये क्या बोल रहे हो तुम? यहाँ से किसी को नहीं भेजा मैंने। रघु, जरूर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। पानी ज्यादा गहरा नहीं है ना? यहां तुझे कौन लेके आया, बोलो बोलो। मुझे ही ढूंढ रहे थे ना आप लोग। चलिए मैं आती हूँ।
कर दो। ए, अगर दोबारा इसने इस घर की चौखट को पार किया तो तू इस घर में जिंदा नहीं रहेगी। चलो। क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी फौज लेकर गए थे फिर भी खाली हाथ वापस आ गए। आखिर मेरे भाई के हाथों कैसे लग गई वो बताओ। और तुम नालायक हो, मेरे सामने मुंह लटका कर खड़े हो। हमने तो उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ढूंढ के लाओ वरना। हाथ नहीं आई? क्यों नहीं आई? उसे ढूंढ कर तुम लाओगे नहीं तो। ए, धनराज, खड़ो उसे, उसे मारने से पूजा थोड़ी मिल जाएगी। मैंने पहले ही कहा था उस लड़की का बैकग्राउंड बहुत ही खतरनाक है, डेंजर है। किसने मेरी बात सुनी क्या? जैक्सन, अरे गड़े मुर्दे की उखाड़ रहे हो। ए, जैक्सन वैक्सन बोला तो बत्ती से बाहर निकल कर फेंक दूंगा। अबे चल हट। चिनू, तुम उस लड़की की इंक्वायरी करने उसके गाँव गए थे ना, क्या हुआ? उस गाँव में इनका ही परिवार सबसे बड़ा है लेकिन सबके सब गंवार है। और हाँ, दोनों परिवार का ऑडिटर एक ही है, वहाँ उसकी बहुत चलती है। प्लस टू में वोकेशनल ग्रुप में अकाउंटेंसी पढ़ के बाहर कहता फिरता है कि ऑडिटर है। बैंक की बातें हो या कॉन्ट्रैक्ट की बातें, इन दोनों के घर में बाहर से आने वाला वही एक शख्स है और वो है। और उनका नाम क्या है? इमोशनल इकबाल सिंह। ऑडिटर इमोशनल इकबाल सिंह स्पीकिंग। मैं लिली बोल रही हूँ। लल्लू हो या कल्लू, क्या है? मैं ललिता तुम्हारी पत्नी। ओ ललिता, तुम हो, क्या बात है? इतनी बड़ी रकम लेकर गए, सही सलामत पहुँचे हैं, इसलिए फोन किया था मैंने। अरे फोट ना, ये भी बड़ी रकम है, जस्ट 25 लाख। मैंने कई करोड़ों को लेफ्ट में देके राइट से लेके सेंटर में डाल के घूम चुका हूँ। फोट ना पगली कहीं की, बैंक में हो तो फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फोन कट कर पगली। फोन किस लिए कट करूं? मत कट करना, बात कर, बात करना तू। ये तुम्हारे पैसे हैं, तुम्हारे हैं, बिल का पेमेंट तुम देती हो, कोई बेचारा है जो टॉप अप करता है? बहुत लंबी लाइन है, ये तो ऐसे लिख रहा है जैसे एग्जाम पेपर लिख रहा हो। एक्सक्यूज मी, बाहर आपका स्कूटर खड़ा है क्या? हाँ। आगे का टायर खोलने में कोई व्यस्त है सर? अरे बाप रे। हाँ, कैसी रही? ओ दाढ़ी भाई, जरा फॉर्म देना जी। या ओके। ए, वो पेन देना मुझे। सर ये मेरा फॉर्म है सर। तो तुम दूसरा ले लो भाई। सर ये मेरा पेन है। तुम नया ले लो। ये क्या कर रहे हैं आप? कितना डिपॉजिट करने वाले हो? अरे हाँ, 100 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो ना? मैं 25 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा हूँ, इसलिए खामोश रहो, चुप रहो। सर ये पेन लीजिए, फॉर्म भर लीजिए सर। थैंक यू सर। सब सही लिखा है। हाँ, आपकी शर्ट में स्याही लगी है। मेरी शर्ट में स्याही? चांस ही नहीं, फॉर्म छीना इसलिए गुस्से में कुछ भी पकड़ा। ओह नो, ओह नो सर, सर किसी ने मेरा सूटकेस ले लिया सर। नया ले लेना। क्या बोला, नया सूटकेस ले लूं? अब मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो गया, मेरे मालिक के पैसे हैं। अरे किसी ने मुझे लूट लिया। अरे ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कोई उसे पकड़ो। अरे अरे काउंटर क्यों बंद कर दिया तुमने? अरे ये कहीं मेरा सूटकेस तो नहीं है? नदी नदी, अरे नदी में डूब कर मरने का टाइम आ गया है मेरा, मैं क्या करूं? 25 लाख रुपए। 111 कि उसकी चालाकी से मेरा मालिक मेरे 3 टुकड़े कर देगा। लल्लू, लल्लू, लल्लू। क्या हुआ जी, क्या हुआ? अरे कैसे समझाऊं मैं, ठाकुर के 25 लाख रुपए किसी ने ठग लिया मुझसे, अगर वो जान गए तो मेरी बोटी बोटी काट देंगे, क्या करूं? अरे लगता है वो ही है, पहुंच गए वो लोग, अब बाबू मुझे मार डालेगा कल। लल्लू मैं ऐसा करता हूँ, अंदर जाके छुप जाता हूँ, कोई पूछेगा तो बोला हम लोगों का तलाक हो गया। ठीक है। अजी वहाँ कहाँ जा रहे हैं, यहाँ आइए। अच्छा तुमने रूम की जगह बदल दी, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। नमस्ते जी। आपके पति हैं क्या? पति तो है लेकिन वो अंदर नहीं है। ये शायद उनका सूटकेस है। कहाँ ना, नहीं है, वो अंदर नहीं है। देखिए इसमें इसी घर का एड्रेस लिखा है। कहाँ ना, वो घर में नहीं है, जाइए आप। अरे अरे घर पर ही हूँ, घर पर ही हूँ, आओ 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 आओ, तुम चुप रहो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 5, 10, 15, 20, 25। हे भगवान। सब ठीक है ना सर? अरे सब ठीक है बालक, बहुत शुक्रिया बेटे। ये बताओ कि ये सूटकेस तुम्हें मिला कहाँ? यही कि मैं बैंक के बाहर चाय पी रहा था, है? तभी कोई ये पेटी लेकर भाग रहा था। हाँ? मुझे तुरंत शक हो गया। हाँ मैंने 2 हाथ दिए घुमा के तो पेटी छोड़कर भागा। हाँ?
इसमें इस घर का पता था हाँ। इसलिए ढूंढकर यहाँ तक आ गया। बहुत शुक्रिया बेटे, वो तो मेरा सूटकेस चुरा कर भागा लेकिन तुमने तो मेरा दिल चुरा लिया। ओ। बेटे बेटे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शिवाराम किशन है। अच्छा नाम, शॉर्ट में शिवा बुलाते हैं। बुलाने दो बुलाने दो, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे बाप रे, इस बच्चे ने 25 लाख रुपए मेरे हवाले किया है, इसको इनाम तो देना ही चाहिए। कितना दूं? ये लो बेटा। अच्छा ये लो, इसे रख लो। हाँ सर, इतनी रकम मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, आधे खर्च कर लेना, आधे बैंक में रख देना। नहीं नहीं चाहिए। पक्का? पक्का? फिर तुम्हें क्या चाहिए बोलो। भूख लगी है, अगर कुछ खाने के लिए। तुमने देखा, इसको देखकर लगता है कई दिनों से भूखा है। कल रात का बचा हुआ खाना फेंका तो नहीं है ना? फ्रिज में ही है ना? हाँ फ्रिज में ही है। हाँ तो वो सब इसे खिला दो। ठीक है। तुम्हें फाइनेंस नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं सर। तो दे दो, कोई बात नहीं, दे दो, तुम जाके खाओ, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी आओ भैया। हाँ, रात को एक बार और गिन के देखूंगा। Hey, nonsense, ये सब क्या है? I hate this habit. खड़े होकर क्यों खा रहे हो? वहाँ बैठ कर खाओ। इतना ऊपर नहीं बेटा, इतना ऊपर नहीं, वहाँ बैठ जाओ। हेल्प करो इसकी, आराम से खाओ, कहीं गले में फंस ना जाए। बहुत भूख लगी सर। कहाँ के हो तुम? शिरडी। कहाँ तक पढ़े हो? इंसाफ, सच्चाई, सत्य और धर्म कोई पढ़ाई होती है क्या? ये सब मैं भी जानता हूँ। एग्जैक्टली कहाँ तक पढ़े हो? सीए सर। सीए पढ़कर दो वक्त की रोटी के लिए तुम दर दर क्यों भटक रहे हो? सुना है कि यहाँ इमोशनल इकबाल सिंह नाम का कोई ऑडिटर रहता है, गणित में विद्वान, बड़ा जीनियस है। हम जैसे युवकों के लिए वही इंस्पिरेशन है। कैसे भी उनके पांव पड़कर उनका असिस्टेंट बनने के लिए यहाँ आया हूँ मैं। शिवा सर। अरे तुम बहुत लकी हो। क्यों सर? क्योंकि जिस जीनियस की तुम्हें तलाश है ना, वो मैं ही हूँ सर। अरे क्या हो गया यार? क्या बात कर रहे हैं सर, वो देवता आप हैं? तुम्हें इससे भी बड़ी एक शॉकिंग न्यूज दूं क्या? कल से तुम्हारा मेरे यहाँ काम करना कंफर्म। क्यों बेटा, शॉक नहीं हुए सर? क्या यही है तुम्हारा शौक होना? सॉरी सर। थैंक यू सर, मुझे पता नहीं था किस जन्म के पुण्य का ये फल है सर। लल्लू बालक कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है। चलो बैठो। यानी कि शिवा, हमारी कंपनी में काम का ऐसा कोई टेंशन नहीं है। उसमें दो ही क्लाइंट्स हैं, एक है बलराम ठाकुर और दूसरा है धर्मवीर ठाकुर। एक तो मूर्ख बंदा है और दूसरा पागल, दोनों फर्स्ट क्लास हैं। फर्स्ट क्लास है सर? हाँ भाई, दोनों पहली कक्षा तक पढ़े हैं, वो भी फेल है। याद रखना, कल से तुम्हारे फ्यूचर को बदल दूंगा मैं। फिलहाल ये सब छोड़ो, ऑल द बेस्ट। नहीं मालिक, मुझे मत मारो मालिक। मारो और इस पाजी को मार मार के अधमरा कर दो। ये मुनीश ठाकुर कौन है उसे मालूम होना चाहिए। मारो, मारो, मारो। जोर से मारो साले को। माफ कर दो मुझे, मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक, अनजाने में मुझसे गलती होगी, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। मेरे बाल बच्चे, मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। जब मेरे अंकों में हेरा फेरी की उस वक्त बाल बच्चों की याद नहीं आई? साइफर डालने वाले हाथ को तोड़ डालो। नहीं मालिक, ने पेपर में तो गलत लिखा था, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या गलत लिखा था? हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल मालिक। क्यों, पिछली बार तो तुम अब्दुल कलाम बोल रहे थे। तब वही राष्ट्रपति था, अब बदल गया है मालिक। वो बदल गए तो क्या इसमें मेरी गलती है? मार मार के भुर्ता बना दो इसका। नहीं मालिक, मुझे क्षमा कर दो मालिक। मार मार के खजूर निकाल दो इसका। बेटे, क्या है बता दो इसे। मास्टर जी को दुलवा रहे हो, आखिर उनकी गलती क्या है ये तो बताओ। दादाजी, इसने परीक्षा में मुझे साइबर मार्क देकर हमारे वंश को अपमानित किया है। हे, इसकी बत्ती से निकाल दो। छोटे ठाकुर ने कहा ना, ठीक उसी तरह मास्टर जी को सबक सिखाना, वरना तुम्हारी धुलाई हो जाएगी। ए, अकल के तुम फूल फूल के कद्दू हो गए हो, अकल नाम की चीज नहीं है। पढ़ाने वाले मास्टर को मारोगे? क्या बात करते हो। हमारे वंश में पुरुष के सामने महिलाएं आवाज नहीं उठाती है, समझी तुम? अंदर जाओ। चुप कर, जब भैंस की तरह बढ़ गया, अकल नाम की बात नहीं है। अगर मेरा कहना नहीं माना ना,
तो खाने में जहर मिला के तुझे मार डालूंगी मैं। मूर्ख ठाकुर। बाप रे, ये कर भी सकती है। ए, उस बुड्ढे को आजाद कर दो। ए मास्टर, इसी में भला है तू भाग जाए ऐसे। आज से मैं इस गांव में नजर भी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए। ए ठाकुर की औलाद, तुझे स्कूल जाना है कि नहीं? जल्दी से जाके तैयार हो जा। अरे यार, ये तुम्हारी माँ सही में तुम्हें ही डांट रही है या तुम्हारे बहाने मुझे डांट रही है? अरे बाप रे, कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबूजी? मेरे लिए तो आप भगवान जैसे हैं, बहुत महान इंसान हैं सच में। मैं तो इस नन्हे भैंस को डांट रही थी। बाबूजी, गरम कॉफी लाऊं क्या? ठीक है ठीक है, जल्दी जाओ। भैंस की दूध की बनाऊं या गाय की दूध की? तुम कॉफी मत पिलाओ यार, लेकिन जाओ। ठीक है बाबूजी। ए, ये सब क्या है? मैसेज आया सर। तुम्हारे पास सेलफोन भी है क्या? इंस्टॉलमेंट में लिया हूँ सर, आप कहें तो फेंक देता। हाँ, वैसे आजकल भिखारी भी सेलफोन रखते हैं, तुम भी रख लो। ध्यान से सुनो, यहाँ फोन यूज करना मना है। जो भी कुछ चाहिए मुझसे पूछना, ठीक है? जेब में क्यों रख रहे हो? अंदर डाल के बंद करो, बोल रहा हूँ ना, अंदर डाल के बंद करो। ध्यान से, स्क्रैच ना लग जाए स्कूटर पे। इसको चर्बी कुछ ज्यादा ही चढ़। मेरा राजा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। ठीक है। अरे इकबाल, कहाँ थे तुम अभी तक? इतनी देर से क्यों आ रहे हो? बैंक गया था साहब। पैसे जमा करा दिए क्या? जमा कर दिए। ये लीजिए स्वीट साहब। ये क्या है, बूंदी है क्या? नहीं साहब, लड्डू ही है। आपके सामने तो छोटा ही दिखेगा। अरे इकबाल, ये इतना छोटा क्यों दिख रहा है? आपको शुगर है, इस कारण स्पेशली ऑर्डर देके छोटे छोटे बनवाया हूँ साहब। ये बात है क्या? अच्छा लाओ ये भी दो। खा लीजिए, खा लीजिए। अच्छा है इकबाल, ज्यादा मीठा नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये कौन है? वैसे छात्र तो मेरा ही है, अब आपसे क्या छुपाऊं, कुछ काम ज्यादा है इसलिए इसे साथ में रख लिया साहब। प्रणाम सर। अरे गधे, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि हमारे धंधे में बाहर के लोगों को शामिल मत करना, लेकिन तेरी तो मती मरी गई है। ये बाहर का कहाँ है सर, तेरी बहन का? मेरी बहन का बेटा है, मैं ये कहना चाह रहा था। सच कह रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं तो हमारे थोबड़े मिला के देख लो, जवानी में मैं बिल्कुल इसी के जैसा दिखता हूँ, है ना? मैं बुढ़ापे में बिल्कुल आपकी तरह दिखूंगा सर। तेरा भांजा है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें और भी कोई खास बात है क्या? कौन सा अकाउंट देखना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, जब बात करी थी ना तब वो जंगली है ना, पीछे से कर रहा था। पहले उसका अकाउंट क्लियर करो। हाँ, वो अकाउंट्स को तो मैं क्लियर कर दूंगा, मेरे अकाउंट्स को तुम क्लियर कर दो। शिवा, चुप रहो, समझो ना शिवा। सॉरी, क्या कर दिया? प्लीज, दुख रहा है। अरे डायन कहीं की, चल हट। अरे बाप रे बाप, छोड़ो ना। किसने देख लिया तो मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा मैं तो। ओहो, अरे बाप रे। अरे अरे अरे, पापा जी आ जाएंगे। किसने देख लिया तो मुझे उल्टा लटका देंगे। अरे बाप रे। अबे इंग्लिश फिल्म की तरह लिप टू लिप किस क्या कर रहा है? अलग हट, अलग हट। सारा हिसाब किताब चेक करने। अरे बाप, अरे बाप रे, किसने देख लिया तो मैं क्या करूंगा, मर जाऊंगा मैं तो। क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। खड़े खड़े कांप क्यों रहा है तू? नहीं सरकार, अकाउंट देख रहा था। अकाउंट चेक कर रहा था तो घबरा क्यों रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है सरकार, तुम्हारी पोल खुल जाएगी इसलिए घबरा रहा है ना? आपकी बात 100% सही है सरकार। सच है ना? तो चल आप जाइए, मैं अकाउंट क्लोज करके आता हूँ सरकार। अपने बच्चों से भी ज्यादा मैं पूजा को चाहती हूँ, उसकी खुशी ही मेरी खुशी है। वो कहीं भी रहे, खुश रहे। जल्दी से इसे लेकर यहाँ से जाओ बेटा। भगा कर ले जाना होता तो कब का भगा कर ले गया होता। आप सब पूजा को जितना चाहते हैं उससे कई ज्यादा पूजा आपको चाहती है। इसके माँ बाप की इच्छा अनुसार आपकी परमिशन से धूमधाम से ये शादी होगी। इसी खातिर हम ऐसे, अगर वो जान गए तो अंजाम क्या होगा ये सोचकर मुझे डर लग रहा है। वो बहुत जालिम है बेटे, वो तुम्हारी बात नहीं समझेंगे। समझाने के अंदाज से समझाऊंगा तो जरूर समझेंगे, मेरा विश्वास कीजिए। सर, छोड़ दीजिए सर। सर बताइए ना,
आपके कहे मुताबिक सही मैनेज किया ना? मेरे कहे मुताबिक? हाँ। मेरे कहे मुताबिक? हाँ। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि उस लड़की के साथ बिस्तर पे लुड़को। हाँ? एक बड़ा पाव खरीदने की औकात नहीं तुम्हारी, और ठाकुर की बहू चाहिए। सर मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया सर। सर इसी प्रकार, इसी प्रकार अबोध बालक की तरह भोली सूरत बनाकर अंदर ठाकुर की बहू के साथ पूजा कर रहे थे। अरे ओए, बड़े ठाकुर की बहू को बाहों में भर रहे थे। हिम्मत है तो बड़े ठाकुर को बाहों में भर के दिखाओ। इसमें मेरे नहीं, उस मैडम की गलती। अगर आप कह रहे हो तो चिल्ला रहा है, ये सब बड़े घर की बात है। ऐसी बातों को दबा छुपा कर रखना चाहिए। देख शिवा, वो लड़की तुम पर गिरे या तुम लड़की पर गिरो, उसका सीधा असर, उसका सीधा असर किस पे होगा जानते हो? उसका सीधा असर होगा मुझ पर, मुझ पर। इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल। हेलो सर, यहाँ खड़े खड़े क्या हिला रहा है? उसके पास जाके जोर जोर से हिला ना। अबे मैंने कहा तू जहाँ जाएगा चुप कर। होशियार समझता अपने आप को, होशियार समझता तू। ये जो थोड़ा बहुत मांस है ना तेरे अंदर, सूप बना के पियेंगे वो लोग, समझ गया? चल जाओ, स्कूटर स्टार्ट कर, जाना स्कूटर स्टार्ट कर। डू मत सर, उसके सामने अपने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। कर दिया मैंने, कचरा कर दिया मैंने। आखिर जाएगा कहाँ तू? रुक 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 रुक। देख बेटा, मेरी शादी में दहेज में मिली है ये स्कूटर, उससे ज्यादा इस पे मैं। सर अबे साइकिल भी मिली थी, उसकी बात कर रहा था मैं। उठा उठा ना, इस तरफ आ आ आ आ आ आ जा, आते ही काम शुरू कर दिया। सर चल 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 तू चल, तू चल ना, चल सीधा सीधा चल। कैसे ला टपका रहा है, लुक ही ठीक नहीं है, कहीं विदेश तो नहीं जा रहा है ये? हाँ, शिबा ने यही रहने के लिए कहा था, अभी तक आया ही नहीं। अरे माँ, वो भी रास्ते में होगा, बस आता ही होगा। पूजा, मिनाक्षी कैसी हो? तुम्हें देखे कितने दिन हो गए बेटी। मीनाक्षी। दीदी, एक ही गांव में रहकर हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, बस इसी बात का गम है। दुखी मत हो, यही विधि का विधान है। बेटा, आज तुम्हारी वजह से हम एक दूसरे से इतने वर्षों बाद मिल रहे हैं। सरकार, आज का दिन शुभ है, आप भी पूजा में भाग लेते तो। भक्ति मन में होनी चाहिए, तब तो आपको घर में ही रहना चाहिए था। देख भाई, मैं यहाँ CID बनकर आया हूँ। दादाजी को शक है कि दोनों बहनें अक्सर बाहर आकर मिलती हैं, इसलिए उन पर नजर रखने के लिए दादाजी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। मुझे खबर हो गई है, इस CID छोटे ठाकुर यानी मुनीश ठाकुर की नजरों से कोई नहीं बच सकता। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चला आ जाता। आंटी। सरकार, बड़ों से इस तरह से बातें नहीं करते। अकाउंट्स देखने आया ना तू? तुझे यहाँ क्या काम है बोल? इन दो परिवारों के बीच तो दुश्मनी है, तुझे क्या मालूम? दादाजी को अगर पता चल गया ना तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, तू भी नहीं बचेगा। छोटे ठाकुर, किसी से भला बुरा कहा तो जहर मिला के तुझे खिला दूंगी, समझे? बहुत ज्यादा बोलने लगा है आजकल, चल जा गाड़ी में बैठ। अबे चल, देख क्या रहा है, इस CID के पद से इस्तीफा दे दूंगा मैं अब। उसकी बात का बुरा मत मानना, बिल्कुल अपने दादा पर गया है, पता नहीं इसे कब अकल आएगी। चिंता मत करो, नंदा भी बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा अपने आप सब समझ जाएगा। ए मुरली, कल मैंने ना स्पाइडरमैन देखी यार टीवी पे, बहुत मजा आया यार। ए मैंने सुना स्पाइडरमैन ग्रेट है। अरे छी, किस वजह से ग्रेट है स्पाइडरमैन? वो सब ग्राफिक्स है यार। तो बैटमैन? बैटमैन और बॉलमैन इन सब के ऊपर एक है यार। कौन है यार? टाइगर मैन। तू है? इस तरह से सवाल क्यों कर रहे हो तुम लोग? स्पाइडरमैन ने तुम्हें कभी चॉकलेट खरीद कर दी है क्या? नहीं, नहीं ना, मैंने खरीद कर दी है ना। हाँ। तो फिर आज के बाद से तुम लोग सिर्फ मेरी तारीफ करोगे, और मेरे सामने किसी दूसरे की तारीफ की ना तो उस मास्टर जी का जो हाल हुआ था वही हाल कर दूंगा तुम सबका, अंडरस्टैंड? भागो भागो। बड़ा आया स्पाइडरमैन। ए जुबरू जी, छोटे मालिक कैसा था? बहुत खूब छोटे मालिक, ये छतरी मेरे लिए। हम्म,
ए, जल्दी से भाग कर पकड़ो उसे। ए, कहाँ जा रही है? छोड़ना मत। रुक जा, रुक जा। तू कहीं भी जाओ, मैं तुझे पकड़ के रहूंगा, समझी ना? सुन, अरे अरे रुक, अरे अरे मैं थक गया हूँ। ए, ए, रुक रुक रुक, अरे मैं थक गया। हाँ, थक गया। अरे कहाँ गुम हो गई? लोकेशन बड़ा डेंजर है, फटाफट यहाँ से भागना होगा, फूल से भी रुकना नहीं चाहिए। ए, कौन हो तुम? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, तुझे यहाँ किसने बुलाया? तू बड़ा है या मैं, ये तुझे दिखाने के लिए आया हूँ। अरे अरे मैं उड़ रहा हूँ। अरे उठा के मत ले जा, मुझे छोड़ दे, मुझसे भूल हो गई। अरे छोड़ने के लिए कहाँ तो गिरा दिया। आइंदा बड़ों की इज्जत करना, समझा? पीछे मोड़। क्यों भाई? तेरी चोटी को काटने वाला। ना बाबा, ऐसा मत करना, ये जो चोटी है ना, मेरे वंश का गौरव है। दादी माँ। हाँ, मुझे आशीर्वाद दो दादी माँ। बेटा, तुझे तेरी इस दादी की उम्र लग जाए बेटा। माँ, तुम भी मुझे आशीर्वाद दो। अरे 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 माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ माँ स्कूल। अपना ख्याल रखना। हा? ये सब क्या है? एका, तुम्हारा ये भांजा तो बहुत ही अक्लमंद है। हा? पिछले महीने के टैक्स के मुकाबले इस महीने 35,000 कम टैक्स आया। है ना सिद्धू? हाँ सरकार, देखा, तुमसे कई गुना बेहतर है तुम्हारा भांजा। मेरी मानो तो तुम इसके असिस्टेंट बन जाओ। तुमने एकदम सही कहा सिद्धू। बोले। हाँ दादाजी। ये क्या है रे, काशी के पंडों की तरह सर पे गमछा क्यों बांध रखा है? वो क्या है? क्या है दादाजी? कि हाँ, जुकाम हो गया ना, कान में हवा ना घुसे इसके लिए बांधा है। ठीक है ठीक है, जाओ 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 जाओ। अरे गमछे को खोलना ही नहीं चाहिए। मामा, मैं पूजा बोल रही हूँ। पूजा हो? अरे बोलो, क्या हालचाल है, ठीक है ना? नहीं मामा, बड़े मामा फिर से मानिकचंद से मेरी शादी करवाना चाहते हैं मामा। मामा, लेकिन इस शादी में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है मामा। कल रात सपने में आके मम्मी ने कहा कि आपके बेटे धनराज से ही मेरी शादी होनी चाहिए, उसी में मेरी भलाई है मामा। मैं सिर्फ 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 धनराज से ही शादी करूंगी मामा। सुबह होने से पहले तुम मेरे घर में होगी, तुम जरा भी फिक्र मत करना, समझी ना? ए धनराज, धनराज, पूजा फोन पर मुझसे कह रही थी कि वो शादी करेगी तो सिर्फ तुमसे ही करेगी। हाँ। अगर मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो मेरी मुंह बोली बहन की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। ए, जाओ जाओ, मुंबई, दिल्ली, कानपुर, जितने भी मेरे अपने लोग हैं सबको फोन करके बुला लो, सबको कहना कि जल्दी से यहाँ आ जाएं। अब देखता हूँ इसमें कितना दम है। 100 करोड़ रुपए। मेरी तो लॉटरी लग गई। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। सरकार सरकार, बैठो, आप घबराइए नहीं, संभल के संभल के। कुछ भी नहीं हुआ, जरा पानी लेकर आओ। सबसे बड़ा है रुपया, रुपया हाँ। मिल गया तो मेरी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सरकार। आप ये बहुत ही गलत कर रहे हैं सर। ए, आखिर क्या हो गया तुम्हें? तुमने गलत कहा तो सर कलम कर देंगे। परवाह नहीं, इनके लिए सर कलम हो जाएगा तो भी चलेगा, इनकी अच्छाई के लिए तो बोल रहा हूँ। ये क्या नया परफॉर्मेंस है, इनकी अच्छाई वो खुद जानते हैं, तू मुंह बंद करके रहे। सरकार सरकार, ऐसी अच्छाई रे? कुछ नहीं सरकार। वो चुप रह, उसे बोलने दे। बोल, सर, अगर उस पूजा को आप बहू बनाएंगे तो आपको कितनी दौलत मिलेगी? ये क्या एक्का? सरकार, ये बेवकूफ कैसी बातें कर रहा है? ए,
100 करोड़ रुपए मिलेंगे। हाँ, अच्छा, वो भी अमेरिकन डॉलर्स में। बेचारा अनजाने में कुछ कह गया। मामा, जान के बोल रहा हूँ। सर, केवल 100 करोड़ रुपयों के लिए आप अपने भाई से मुकाबला कर रहे हैं। यदि 600 करोड़ की किसी दौलत वाली से शादी करें तो आपका भाई मुकाबला हार जाएगा ना? एका, सर, सरकार सटिया गया है क्या? लगता है इसने कोई एक्सपायरी डेट वाली दवाई खा ली है, इसी का असर है। इसे माफ कर दीजिए सरकार। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। समझ ले, मैंने तेरी बात मान ली। तो वो 600 करोड़ रुपए वाली लड़की मिलेगी कहाँ से बेटे? अब आ गए ना लाइन पे। सर, सरकार अमेरिका में, इधर अमेरिका में पूजा के बाप ही सिर्फ करोड़पति नहीं है, उनके समान दौलत वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। अरे मामा, अपने वाशिंगटन में प्रताप सिंह के बारे में नहीं बताया इन्हें? वॉशिंग मशीन, वचिद्रंती, वॉशिंगटन, प्रताप सिंह, जेंटलमैन सर। उनकी कितनी दौलत है बोली? वैसे उनकी दो दो पत्नी और दो दो रखेल और करोड़ों की दौलत है। कुल मिला के 600 करोड़ से ज्यादा है। दौलतमंद है ना? हाँ, बेशक। उनकी बेटी के बारे में बोलिए। अरे वही विदेशी? हाँ, उनकी, हाँ, वही विदेशी की है। नहीं नहीं, टाइप राइटिंग, हाँ, शॉर्ट हैंड कंप्यूटर। उसे भी तो वर्क की तलाश है ना? हाँ, वर्क की तलाश है। हाँ हाँ, उनके बारे में बोलिए। किसके बारे में? किसके बारे में क्या? छोटे सरकार धनराज के बारे में। धनराज क्या? क्या धनराज, उनमें क्या कमी है? अरे तो मैंने कब कहा कि उनमें कोई कमी है? हाँ, अरे ये क्या मामा, उनकी बेटी के लिए वर ढूंढने का जिम्मा आपको सौंपा है उन्होंने? हाँ बेटे, सौंपा है तो उसका क्या? इस तरह से क्यों बोल रहे हो? और क्या बोलूं, बिना स्क्रिप्ट के तुमने मुझे यहाँ बुलाया। अरे मामा जी, वो अमेरिका में रहकर एक हिंदुस्तानी लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। और पता है उनका सारा जिम्मा इन्हें सौंपा है। किस अम्मा को मुझे सौंपा है? अम्मा नहीं, जिम्मा, जिम्मा। ओ, हाँ, जिम्मा, जिम्मा, हाँ, वो जिम्मा मेरा। क्यों रेखा? ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे खुद अभी पता चला। सरकार, देख तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो 600 करोड़ वाली वाशिंगटन की लड़के की शादी अगर होगी तो मेरे बेटे से होगी। हाँ, एक और रिश्ता है, 300 करोड़ ग्रेनाइट। एक लगाऊंगा ज्यादा बोला तो। सरकार, वाशिंगटन वाली लड़की की शादी मेरे घर में मेरे बेटे से होगी, समझ गया ना तू? सर मैं समझ गया। तो समझ गया ना, तो इसे भी समझा। अगर ये रिश्ता मेरे घर में नहीं हुआ ना, तो तेरे मामा की आत्मा उसके शरीर में नहीं रहेगी। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। आइए मामा, बाप रे बाप। चलिए बाहर निकल। क्यों रे, तू भूखा है ये मालूम होते हुए तुझे अपने घर में जगह देके और तुझे नौकरी भी दिलाई, उन भैंसों के सामने मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? आज के बाद अपना थोड़ा मत दिखाना, पेटी लिया और दफा हो जा। आई, क्या बुरा किया मैंने? मैंने क्या बुरा किया पूछ रहा तू? सुनिए जी, कोई वॉशिंगटन प्रताप सिंह है, सुबह से 15 बार फोन कर चुके हैं, अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में हमारे गांव आ रहे हैं, आपको गेस्ट हाउस बुक करने के लिए कहा है। मैं कहना भूल गई थी। अब क्या बोलते हो सर? वो कौन है ये जाने बिना आपने उनका नाम ले लिया, आप कौन है ये जाने बिना उन्होंने आपको फोन किया? कंफ्यूजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लूज मोशन। अरे नहीं भाई, कहीं कोई गड़बड़ है ये बोल रहा था। कोई गड़बड़ी नहीं है सर। हाँ, इसी का नाम है सबकॉन्शियस मेमोरी पावर। 10% रह गई है मेरी मेमोरी पावर और बची कुची को तू यूज करने में जुटा है, साफ साफ समझा ना। वो ये है सर, वो ये है सर, ये जो सबकॉन्शियस मेमोरी एक पावर है, वो लाखों में से एक के पास होती है और फिर बरसों के बाद हमारे जितने भी नए दोस्त होते हैं ना, उन्हें किसी तरह भूल जाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन हमारा ये जो दिमाग है ना, वो उसे स्टोर करके रखता है। हाँ हाँ। कभी कभार किसी ज्ञानी या फिर अकलमंद को ही उस पावर का अक्सर अनुभव होता है। हाँ हाँ। ये क्या आप हाँ हाँ कर रहे हैं? अरे देख, जो तू बोला वो मैं समझ गया हूँ। अच्छा अच्छा, यानी कि एक छोटे से घड़े में थोड़ा सा ही पानी है और कौवे ने उसमें लगातार कंकड़ डाला, नीचे का पानी ऊपर आ गया, यही कह रहा है ना तू? बहुत सही समझाया आपने, लगभग। लेकिन हाँ, वो भी एक अकलमंद कौवे को ही मुमकिन होता है। मुझे अकलमंद कह रहे हो या कौवा कह रहे हो बे? सर आप तो जीनियस है। फिर क्या, किसी संबंध के बिना उस वॉशिंगटन प्रताप सिंह का नाम उठाने में आप लूज क्यों पड़ रहे हैं? ठीक है भाई, नाम बोला, बेटी की शादी की बात मैंने कब उठाई थी ये बता। उठाई थी ना, उठाई थी। कैसे उठाई ये तो जानना है। सर वही तो कह रहा हूँ मैं। ये क्या कह रहे हो तुम? सबकॉन्शियस मेमोरी पावर। अरे बाप रे, फिर कल क्या घटेगा ये बताने के लिए आप कोई ज्योतिष थोड़ी ही ना है क्या सर आप भी? अरे ऐसे शब्द बार बार मत कहो,
मुझे खुद पे डाउट होता है यार। डाउट आए तो परवाह नहीं, लेकिन मुझ पे डाउट मत करना। इट्स ओके सर, मैं चलता हूँ, चलता हूँ, चलिए मैं जा रहा हूँ। बेशुमार पावर्स को अंदर रखकर ऐसे जाहिलों क्या काम करने में मुझे कितनी गिल्टी फील होती है तो मैं ही जानता हूँ। ऊपर से तुम भी मुझे छोड़ के जा रहे हो। मैं नहीं जाऊंगा सर, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, और भी बहुत कुछ सीखना है आपसे मुझे। आप एक एनसाइक्लोपीडिया है सर, एनसाइक्लोपीडिया। जुग जुग जी, जुग जुग जी, इंग्लिश में आयुष्मान भावा, पेटी लो और अंदर जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। क्या कहूँ, जिसे मैंने बनाया वो मुझे ही फोन करके गेस्ट हाउस रेडी करने के लिए कह रहा है, इसे मैं क्या समझूं? हाँ शिवा, तू बोल रहा था कि कोई पावर सेटी पोटा? सबकॉन्शियस मेमोरी पावर। सबकॉन्शियस मेमोरी पावर, देखा वो आ रहा है या नहीं? यदि जानता तो इस भैंसे को बता नहीं देता मैं। वो आ जाएंगे छोटे सरकार, आप अंदर जाइए। Schooling you, yes. Here we go, damn. Yo! Push the tempo. Where my hoes at? Here we go, boom, up to you. Yo! Come on! Yo! Come on! Washington Pratap Singh. Push the tempo. Where my hoes at? Here we go, boom, up to you. Yo! Come on! Yeah, 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 yeah. इस किरदार की रचना आपने की है सर? देख रहा। हाय इकबाल सिंह, हाउ आर यू मैन? हाय। आपकी हवा क्यों गुल हो गई? डोंट यू रिमेम्बर, आई एम प्रताप सिंह, वाशिंगटन प्रताप सिंह। क्या हुआ जी, इकबाल इतना परेशान क्यों है? वो आप आएंगे या नहीं आएंगे ऐसा डाउट था इन्हें, इसलिए शॉक में था। सर इकबाल सर, ललिता कैसी है? अरे वही आपके वाइफ लल्लू। अरे आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं लक्ष्मी हूँ, मेरी बनाई कॉफी आपको बहुत पसंद है, भूल गए क्या? एज हो गई है, इट्स नेचुरल, इट्स ओके, लेट्स गो, लेट्स गो, या कम ऑन, कम ऑन। आइए आइए आइए। कौन हो तुम लोग? मैंने नाम की चीज है या नहीं तुम लोगों में? अमेरिका में ये सब चलता नहीं है, कंट्रीब्यूट्स। एक्का, कौन है ये लोग? विदेशी मजदूर जैसे लग रहे हैं। वो सर का पीए है। ऐसे क्या देख रहा है तू? मेरे बारे में इन्हें बताना। चुप कर बे। ये मुझे कह रहे हैं। मामा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। मैं बोलता हूँ सर, ये है चुलबुल ठाकुर, इस तहसील में यही सबसे ज्यादा अमीर है। ये सब आपसे मिलकर बात करने के लिए आए हैं। ओह आई सी, नाइस टू मीट यू। ये आपके लिए है, नमस्ते। फ्लाइट में सफर करने से मैं थोड़ा थक जाता हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे। मिस्टर इकबाल, आप इनके साथ बात कीजिए, चलते हैं स्वीटहर्ट। ओके। एका, एका, ये क्या? तू इतना खोया हुआ है जैसे तेरी बीवी किसी के साथ भाग गई। तू मेरे बारे में उन्हें कब बताएगा रे? देखिए, पुराने मालिक से मिलने की खुशी में खो गए हैं, कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। आप बैठिए ना सरकार। हाँ ठीक है। I'm extremely sorry, आप लोगों को काफी इंतजार करवाया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस एक्का ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है और इस गांव में मेरी भी थोड़ी बहुत मर्यादा है जी। वो तुम लोगों की चोटी देखकर ही समझ गए कि तुम लोग अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। ए, तुम चुप करो। आपकी तरह करोड़ों में तो नहीं, लेकिन इस गांव में लाखों का बिजनेस मेरा चलता है। पैसों का क्या है, 20 साल की उम्र में मैंने करोड़ों कमाए वो तो मुझे याद है, उसके बाद मैंने कितना कमाया मुझे तो याद ही नहीं है। आप 600 करोड़ के मालिक हैं, एक का ने मुझे बताया था, ये बात सही है ना? 600 करोड़ क्या इकबाल, सिर्फ इंडिया में जितना कमाया उसके बारे में तुमने बताया इनको? सिर्फ इंडिया में ही 600 करोड़, इसका मतलब कुल मिलाकर? तुम लोगों की तरह हमारे साहब को हिसाब वगैरह नहीं रखते। इट्स ऑल राइट, ले वेट, ले वेट। ओके सर, आप बताइए आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते थे? ऐसी कोई खास बात नहीं है, आप अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहे हैं ऐसा एक्का ने बताया था। बिल्कुल सच, पैसों से ज्यादा मुझे कल्चर यानी कि संस्कृति बहुत पसंद है और मैं ऐसा ही वर तलाश कर रहा हूँ। हम भी ऐसे ही हैं, ये मेरा छोटा बेटा।
इसका नाम है धनराज। इसने 3 क्लास तक पढ़ाई की है। हाँ, इसी की शादी के लिए मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। What nonsense you are talking? इकबाल, मैंने अपनी बेटी की शादी का जिम्मा तुम्हें सौंपा था। ऐसे जंगली जानवरों को यहाँ बुलाकर तुमने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। देखिए जी, यू शट अप। सेक्रेटरी, अगर 2 मिनट के अंदर ये भिखारी यहाँ से नहीं गए तो इनको शूट कर दो। ओके सर। शूट है। मैं यहाँ से बाहर निकलो। मेरे साथ तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। चलो जाओ। अरे आप चूड़ियाँ छोड़ो। सर, चूड़ियाँ। मैं समझ जाऊँ ये लोग विदेश आए हैं। अरे मेरे पास चूड़ियाँ, मैं देख लूँगा। सर आप जाइए। चलिए सर। वेल डन वॉशिंगटन प्रताप सिंह, वेल डन। हिला के रख दिया सबको। ताऊ जी, मेरे अच्छे ताऊ जी, आपने तो हिला के रख दिया। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। मोनो एक्टिंग के लिए 2 बार गोल्ड मेडल लिया है मैंने। नहीं, एक छोटा सा डर तो दिल में था, मगर आपने संभाल लिया। अरे शिवा, इन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्रामा में काम किया है और वो लोग तो गंवार, ऊपर से चोटी, सच मानो तो जोकर लग रहे थे। पूजा पसंद आई है? नहीं, उसी के लिए तो इतनी दूर आई हूँ। हम उसे साथ में लेके। लेकिन शिवा। लक्ष्मी, तुम बेवजह में डर रही हो। हम दोनों की एक्टिंग पे तुम्हें भरोसा नहीं। हम जो सोचते हैं वही होता है। ये वाशिंगटन प्रताप सिंह का कैरेक्टर मुझे भाग गया। अगला सीन क्या होगा? अगला सीन शिवा का है। सरकार, ये संबंध आपको जचेगा नहीं, भूल जाइए। ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसा क्या कहा उन्होंने? सरकार, रिश्ता तय करने से पहले उनकी कुछ शर्तें भी हैं और मुझे और मामा को कुछ ठीक नहीं लगी, इसलिए हम कुछ कहे भी ना आ गए, है ना मामा? हाँ भाई। अरे क्या भांजा भांजा, उनसे संबंध की बात किए बिना लेकर आ गए? उनकी क्या क्या शर्तें हैं ये तुम्हें मुझे पहले आकर बताना चाहिए था ना। कंडीशन कुछ नहीं है सर, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, दे डोंट लाइक योर गेटअप सर। विदेशी भाषा में बोलोगे तो क्या मैं समझूंगा? नहीं, अरे हिंदी में बात करो, मैं समझता हूँ। क्या कहूँ, वो सोच रहे हैं कि आप जाहिल हैं, तो ऐसे खानदान से वो रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हैं बस। क्या कहा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम लोग जाहिल हैं? देख लिया ना, आपका बीपी बढ़ रहा है, इसलिए मैं बोल नहीं रहा था। बीपी वगैरह कुछ नहीं बढ़ेगा, ये संबंध टूटा ना तो मेरा बीपी बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये धोती कुर्ता ये सब उतार कर कोट पैंट और टाई पहन लूंगा। सिर्फ यही नहीं सरकार, उनकी कुछ कंडीशंस भी हैं। अरे आखिर बोलेगा तो ना। ये क्या है का, तू बुद्ध की तरह क्यों खड़ा है? सरकार, आप पहाड़ की तरह सामने खड़े हैं तो ये ऑडिटर तो बुद्ध की तरह ही रहेगा ना। क्या है कि मामा अब तक उस शौक से बाहर नहीं निकले। खैर बोल ही देता हूँ, आप अपने साथ घर के लेडीज को नहीं लाए कहकर गुस्सा हो रहे थे। लेडीज? सही कहा। ए, कलमोही मीनाक्षी। हाँ जी। ये सब साड़ी वाड़ी उतार कर फेंक दो और कोई अच्छी सी साड़ी पहन कर चलो, हम बेटे की शादी की बात करने जा रहे हैं। जी ठीक है। अब तो सही है ना, हो गया ना? नहीं सरकार, एक और कंडीशन है उनकी। एक और कंडीशन? चलो बोलो जल्दी से क्या है। सरकार कैसे कहूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। वो रिश्ता ठीक नहीं रहेगा, आप भूल जाइए। क्यों मामा जी, ये थोड़ा मुश्किल काम है। अरे कैसी मुश्किल, बोल ना एक्का। क्या बोलूं मैं? नहीं सरकार, बोलूंगा तो मारेंगे आप। मैं भला इसे। अरे बोल ना जल्दी। वो ये है कि आप अपनी चोटी काट के। चोटी काट कर फेंक दो? हमारे खानदान की वीरता, सम्मान, गौरव, शान सब इसी चोटी में सीमित हैं। मैं इस चोटी को नहीं काट सकता। इसलिए सरकार, हम दोनों रिश्ता जोड़े बिना वहां से निकल गए। आफ्टर ऑल, 600 करोड़ की दौलत के लिए आप अपनी चोटी काटेंगे क्या? मामा, आपके कहे मुताबिक हम दूसरी जगह रिश्ता तय करते हैं। हाँ भांजे, हम लोग दूसरी जगह चलते हैं। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझे? बाल काटेंगे तो फिर बढ़ जाएंगे। हाँ। लेकिन 600 करोड़ का रिश्ता गया तो वापस आएगा क्या? नहीं दादाजी, चोटी को हम काटेंगे। ये असंभव है। हाँ? क्या असंभव है? हम लोगों का चोटी काटना असंभव है। पहले मेरे पिताजी की चोटी काट डालो। मिस्टर इकबाल, आप कैसे हैं? आपकी पत्नी यानी कि आपकी वाइफ लल्लू कैसी है वो? सर, ये क्या सर वॉशिंगटन प्रताप सिंह की तरह बोल रहे हैं? अरे वही तो, वो तो मेरी क्रिएशन है और मुझे ही ओवरटेक कर रही है। बात तो मुझसे ऐसे कर रहा था जैसे वर्षों से जानता हूँ। मैं कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ।
ये हो क्या रहा है यहाँ? हाँ शिवा, तुम वो कह रहे थे कि मेरे पास कोई पावर है, वो कौन सी पावर है? रात को ही कहा था, कहिए तो सुनो। स्वामी जी की दाढ़ी में फायर। ओ, सबकॉन्शियस मेमोरी पावर। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। अरे बेटे, क्या लक्षण है उस रोग के? लक्षण ये है कि बहुत ही कंफ्यूजन रहेगा, किसी पर शक करने का मन करेगा, जब भी देखो सोचते रहने का मन करेगा, उसके बाद मानसिक अवस्था डामाडोल होकर सुसाइड करने का मन करेगा। सुसाइड? अरे मेरी शादी हो चुकी है, एक और सुसाइड बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस प्रकार के विचार से छुटकारा पाने के लिए कोई और मार्ग है क्या? उसके लिए एक रास्ता है। कैसा मार्ग? बोलता हूँ, सच हो या झूठ भरोसा करना होगा। हाँ, वो भी पूरी तरह। भरोसा करे या फिर ना करे ये सोचेंगे तो फिर सुसाइड ही है। नहीं नहीं, भरोसा है, मैं उन्हें पहले से जानता हूँ, मैंने मन में फिक्स कर दिया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? शक नहीं आएगी। ओके, चीयर्स। चीयर्स। तुम्हारे जैसे एक और हो जाए तो पूरा देश का कोई भी आदमी शराब नहीं छुएगा। सॉरी सर। आपके खानदान में सब लोग मिलजुल कर रहते हैं? हाँ हाँ हाँ, कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग तो बड़े प्यार से रहते हैं, क्यों भाई एक्का? बिल्कुल सर, ये तो मुर्गा मुर्गी की तरह रहते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। पूरा परिवार एकदम एकता से रहता है सर। संबंध बनाने से पहले मैं आप लोगों से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। प्रताप सिंह जी, ठाकुर साहब लोगों का स्ट्रांग फाउंडेशन है, वो तो पहली कक्षा में भी 9 साल फेल हो चुके हैं, उनसे क्या सवाल जवाब करना? डोंट वरी, मैं जो पूछने वाला हूँ उसका संबंध पढ़ाई से नहीं है। चुलबुल जी, आपकी पत्नी का जन्मदिन कब है? कम ऑन ठाकुर जी, जवाब दीजिए। अरे जन्मदिन कब है? आप ही बताइए ना, ऐसी कोई बात नहीं है, हर साल अगस्त के 28 तारीख को पूरा घर जैसे त्योहार के माहौल में बदल जाता है, इस तरह मनाते हैं हम लोग इनका जन्मदिन, फिर भी पता नहीं क्यों ये बताने में आप लोगों से शर्मा रहे हैं, है ना? सेकंड क्वेश्चन, बेटे तुम्हारी एनिवर्सरी कब है? मैं जवाब नहीं दे सका तो ये कहाँ से दे पाएगा। सर, जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी ठीक उसी दिन मेरी स्वतंत्रता चली गई, ऐसा कहकर छेड़ते हैं ये मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, लास्ट क्वेश्चन, खैर आप सब अपनी अपनी पत्नी को कैसे पुकारते हैं? मतलब पत्नी को नाम से आप लोग नहीं पुकारते हैं? ऐसी बात नहीं है, पत्नी को नाम से पुकारने से आयु कम हो जाती है, ऐसे बुजुर्गों ने कहा है, इसलिए हमारे गांव में पति पत्नी को नाम से नहीं बुलाते। मार्वेलस। हाँ भाई, आप लोग का कोई भाई बहन? अरे क्या सर, ये भी कोई सवाल है? इनके एक बड़े भाई है ना, ठाकुर बलराम सिंह। ये सच है क्या? भाई का होना या ना होना जरूरी है क्या? What? नहीं है, लेकिन नहीं। इकबाल सिंह, व्हाट इज दिस टोटली कंफ्यूजन, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। अरे वो क्या है सर जी, बस लॉरी ने टक्कर मार दी है बस। सर आपने गलत समझा, इनके भाई तो हैं, लॉरी खरीदने के वास्ते बाहर गए हैं, ये कह रहे थे। वो भी आपकी तरह ही है सर, राम लक्ष्मण से बढ़कर काफी प्यार करते हैं भाई से। सही कहा, बोलने का। बोलता हूँ बलराम सर, लक्ष्मी मालकिन, वैसे सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे प्री प्लान के अनुसार तय हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ओके, आपके भाई के यहाँ पहुँचते ही हम शादी की तारीख पक्की कर देंगे। ओके। अरे बाप रे, क्यों रे, तूने झूठ क्यों कहा कि मेरा बड़ा भाई है? वो आपके बड़े भाई नहीं है क्या? उनके आने के बाद शादी की तारीख पक्की करेंगे, तू तो ऐसा कह रहा था ना, हम कहाँ से लाएंगे? छोटे सरकार आप बेफिक्र रहिए, अगर मामा ने चाहा तो अगले सेकंड आपकी आंखों के सामने आपके भाई को खड़ा कर देंगे। मेरे मामा बहुत पावरफुल है ना मामा? चुप करना सरकार। ए, कहां से करेगा कैसे करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बड़े भाई का इंतजाम कर, अगर नहीं किया ना तो मेरा पोता जो है ना वो बैठ चाहिए करके जिद करता है, और मैं तेरे बदन से सरकार तेरा हाथ काट कर उसके लिए बैट बना दूंगा। ए, चलो। कहीं मुझसे मुकाबले में हार न जाए, इस डर से अपने बेटे का रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया चुलबुल ने। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, इस बिल्डिंग की वैल्यूएशन सब करेक्ट है, गो फास्ट, डोंट मिस एनीथिंग। हाय पूजा, हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल।
आई एम नीतीश कुमार, रिकवरी ऑफिसर फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक? पूजा के पापा ने बिजनेस के लिए हमारे बैंक से 200 करोड़ रुपए का लोन लिया था। अनफॉर्चुनेटली उस लोन को रिटर्न किए बिना उसके पापा मर गए। अमेरिका में जो उनकी दौलत है उसकी वैल्यूएशन लगभग 100 करोड़ रुपए है, और 100 करोड़ रुपए के लिए हम कहाँ जाएंगे? इसलिए पूजा को ढूंढते हुए हम यहाँ आए हैं। मिस्टर बलबीर सिंह जो है उन्होंने पूजा को ही अपना वारिस दिखाया है, इसलिए उस कर्ज को चुकाना पूजा का ही फर्ज है। हमने ऑफिस में इंक्वायरी की, वहाँ से पता चला कि वो अपने माँ के गाँव आई है, इसलिए हम भी आए। अगर आपको कोई डाउट है तो पूजा से पूछ लीजिए। बेटी है? हाँ बाबूजी, वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आपका कहना सच हो सकता है, लेकिन यहाँ से ले जाने के लिए पूजा के नाम पर कुछ भी नहीं है, और एक हफ्ते के अंदर मेरे मामा अपने बेटे की शादी पूजा से करवाने वाले हैं। ऐसा है क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी के बाद पति की दौलत का आधा हिस्सा पत्नी को मिल ही जाएगा। इस शादी के संपन्न होते ही पूजा के हिस्से की दौलत लेकर हम उसका कर्ज चुका देंगे। अरे अक्का, ये क्या बोल रहे हैं? हाँ बलराम सरकार, कानून तो यही कहता है। हाँ, मामा की किस्मत खराब है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। ऑफिसर बाबू, जरा यहाँ आइए। शादी की जो बात है ना, बस चल रही है, अभी तक तय नहीं हुई है, समझ गए ना? हाँ समझ गया। पूजा स्वर्ण शिल्प की तरह है, हम तो रिकवरी कर ही लेंगे। आप शादी की तैयारी कीजिए, ठीक है? हम फिर से आएंगे। यहाँ क्या हो रहा है मामा? इतनी प्रॉब्लम है जानकर चुलबुल आसानी से खिसक गया। काफी होशियार है, उसको नहीं छोड़ूंगा। पूजा जरा तुम अंदर जाओ बेटी, बोलो ना, जाओ। शादी के लिए कर्ज को दहेज में लेकर आई है। एका, तुम्हारी मति मारी गई है। हाँ, वो रिश्ता मेरे बेटे से तय करवाना छोड़कर उस गेंडे के बेटे से करवाया तुमने। इसमें मेरे मामा की कोई गलती नहीं है। हा? आप खुद पूजा को अपनी बहू बनाने के लिए अपने भाई के साथ मुकाबला किया, इसलिए मेरे मामा ने टेक्निकली वापस भेज मेरी दिया। हालत तो अब ऐसी हो गई कि जैसे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। एका, तू क्या करेगा क्या नहीं करेगा मैं कुछ भी नहीं जानता। उस वाशिंगटन प्रताप सिंह की बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से कैसे भी तय करवा। हाँ, ये कैसे मुमकिन है सरकार? आपके भतीजे का रिश्ता तो पहले ही तय हो चुका है। मामा, अब क्या है बे? एक आइडिया है, बोलूं? फिर से आइडिया? क्यों ना हम वाशिंगटन प्रताप सिंह के भाई की बेटी का रिश्ता बलराम ठाकुर के बेटे से करवा दें। भाई वो कौन है? वाशिंगटन प्रताप सिंह का शिकागो शक्तिमान सिंह नाम का भाई है, ये तो तूने ही बोला था ना? हाँ बोला था। मैंने बोला था। हाँ भाई। हाँ बेशक मैंने ही बोला था। अब क्या विचार है? अरे नेकी और पूछ, उस शक्तिमान सिंह की बेटी का ब्याह मेरे बेटे से करवाने की योजना क्यों नहीं? हाँ, सुपर। मेरे मामा जो भी कहेंगे कभी इनकार नहीं होगा। एका, सरकार, एका, तुम्हारे पास इतनी पावर होगी मैंने सोचा ही नहीं था, सच में नहीं सोचा था। हा? ये तो मैंने भी नहीं सोचा था सरकार। मामा क्या है? इसी बहाने वो भी बोली है ना। वो क्या है? वही मामा, कंडीशन मैटर, बाद में ये ना कहे कि हमने बोला नहीं। करेक्ट करेक्ट। बलराम जी, उनसे अगर संबंध बनाना है तो उनकी एक कंडीशन है। अरे बाप रे, भाई हम लोग कितने सालों के बाद मिल रहे हैं। भाई अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। आओ। यही कि वाशिंगटन प्रताप सिंह का एक भाई है बोला था, मगर उनका नाम शक्ति सिंह है, ये तो मैंने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है। सर ये क्या सर, अगर आप नहीं बोलेंगे तो बलराम सर को कैसे पता? करेक्ट। मतलब वो कैरेक्टर भी कसम से यहाँ पर पधारेंगे। कसम से आएंगे सर? सर खुद आपको आप पे जितना भरोसा है उससे ज्यादा भरोसा मुझे आप पे है सर। गौर से मेरी बात सुनिए। जैसे एक राज कपूर है, एक राजेश खन्ना और एक धर्मेंद्र, ठीक उसी तरह एक ही इमोशनल इकबाल सिंह सर। Push the tempo. Where the hoes at? Here we go. Boom. Up to your grill. Come on. Oh.
नमस्कार नमस्कार भाई, वाशिंगटन के प्रताप सिंह, ये मेरे बड़े भाई ठाकुर बलराम सिंह, हमारे लिए ये देवता समान है। ये तो बताओ वो कौन है? ओह, आई एम सो सॉरी, ही इज माय यंगर ब्रदर शिकागो शक्तिमान सिंह। बहुत अच्छा लगा। प्रणाम प्रणाम। जी, ये अपना इमोशनल इकबाल सिंह है ना? ग्रेट सर। हाँ भाई, अपना इकबाल सिंह ही है, भूल गए क्या तुम? थोड़ा कमजोर हो गया ना? या या, यू आर राइट। अच्छा तो इकबाल सिंह कैसे हैं आप? शक्ति शक्ति शक्ति, आई एम फाइन यार। तुरंत गोंद की तरह चिपक जाता है, तेरा दूरी बना के रख। तू यहाँ खड़ा रहेगा तो क्या होगा? आप आइए 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 आइए, आप सभी लोग आइए। अब जाके मेरा मन बहुत खुश हुआ है। मेरा भी वही हाल है भैया, बेशुमार दौलत की मलिकाएं हमारे घर की बहू जो बनकर आने वाली हैं। ए, वो छोड़ो चुलबुल, वैसे पैसा तो हाथ का महल है, हमारे लिए आदर्श ही सब कुछ है। सर समझे जी, इसी वजह से संस्कृति और सम्मान से जुड़े आपके खानदान से हमने संबंध बनाना चाहा। Am I correct, darling? या 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 या। तुम वो खाली वक्त में क्या करती हो? झाड़ू मारती हूँ, बाथरूम धोती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, पोछा लगाती हूँ और बाजार जाती हूँ और फिर से कपड़े धोऊंगी, बाथरूम और घर को साफ करूंगी। अमेरिका में ऐसा ही है समधी जी। चाहे अरबपति क्यों ना हो जाए, सबको अपना काम खुद ही करना पड़ता है। अमेरिका संस्कृति है ना, करोड़ों की संस्कृति जो मिल रही है। कमी ने अपनी टांग नहीं हटाई ना, तो दोनों टांगे तोड़ के अस्पताल भेज दूंगी, खाना खा चुपचाप साले। ये क्या, ये तो बाजारू लड़की है। इधर सुर विलायत में पड़ी है ना, थोड़ा सा नजरअंदाज कर, सब सही हो जाएगा, करोड़ों की दौलत मिलने वाली है। यही तो हमारी संस्कृति है ना। आइए मिस्टर इकबाल सिंह, आप खाने के टाइम पे गायब हो गए थे, फटाफट हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, आइए प्लीज। हाँ जी, वही रुक। समधि जी, हम तो जानते हैं कि आपका मन सागर जैसा विशाल है। हाँ, हम नौकर के साथ ऐसे पेश आएंगे तो हमें उल्लू बनाएंगे, भैंस को तबेले में बांधना चाहिए, कुत्तों को दरवाजे के बाहर ही रखना चाहिए, जिन्हें जहाँ रखना वहाँ रखेंगे तो हमें समस्या नहीं होगी। आप समझे नहीं समधि जी, आज हम लोग एक साथ हैं और सबके चेहरे पे खुशी है तो उसकी वजह सिर्फ इकबाल का कलंक रहित दिल है। इसके लिए चप्पल को सिर पर रखने के लिए कह रहे हैं ये इकबाल? हमारे खाने के बाद जो कुछ बचा खुचा रहेगा उसे बाहर ले जाकर खाएगा। जा यहाँ से, उल्लू का पट्टा सिर पे ही खड़ा रहता है। देखा तुमने, मेरे क्रिएट किए हुए लोगों के सामने मुझे सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग तो मेरी बेइज्जती किए जा रहे हैं। छोड़िए ना सर, एक दिन आपका भी आएगा, क्रिएटर को कोप मुक्त रहना चाहिए। क्रिएटर भी तो इंसान है ना, हम में भी तो इमोशंस हैं। सर नहीं सर, एक और अवतार लिया आपने तो सुनामी आ जाएगी सर। रिलैक्स रिलैक्स। समधि जी, भरपेट खाइएगा। ठाकुर बलराम जी नमस्ते। हाय नीतीश कुमार। हेलो मिस्टर प्रताप सिंह, हाउ आर यू? फाइन। ये क्या समधि जी, आप भी इनसे परिचित हैं क्या? माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम चाइल्डहुड। हमारे बैंक अकाउंट होल्डर में से अगर कोई इम्पोर्टेंट फैमिली है तो वो इनकी फैमिली है। देखा ना भैया, किसी ने सच ही कहा है, ये दुनिया बहुत छोटी है। वो किसी ने नहीं बोला था, मेरे मामा ने बोला था। ये मैंने कब कह दिया, ये तो मुझे याद नहीं। लेकिन मुझे याद है मामा। ये कैसे हो गया, मैंने बोला मुझे याद नहीं और तुम्हें याद है, समझ नहीं। अरे का, यहाँ हम लोग जरूरी बात कर रहे हैं, तू यहाँ क्यों खड़ा है, जब आ गया से। मूर्ख पीस और ये जालिम पीस मिलके इस प्रकार मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरी पावर ईमेल करके कह रही है कि इनका संहार कर दो। ओह नो सर, उसे आप अभी डिलीट कीजिए। आप बाहर वेट करो तो अच्छा रहेगा। ये बात तो है। आप आइए ऑफिसर, आइए बैठिए बैठिए। पूजा, हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल। ये बताइए नीतीश सर, आप यहाँ कैसे? मैं एक बहुत ही जरूरी काम से यहाँ आया हूँ, मगर आप लोग यहाँ? हम अपनी बेटियों का रिश्ता इनके परिवार के लड़कों से करने आए हैं। क्यों बलराम जी, क्या ये सच बोल रहा है? उन्होंने क्या बोला सुना नहीं? ए, वहाँ जाके खाना दे। मतलब मुंह बोली बहन की बेटी से अपनी बेटी की शादी नहीं करवा रहे? मुंह बोली, मुंह बोली बहन की बेटी, वो कौन है? क्या क्या प्रताप सिंह, अरे वही जो वॉशिंगटन में बड़े बिजनेस मैग्नेट हुआ करते थे, मिस्टर परमवीर सिंह। परमवीर यार, परमवीर। Oh, I know him very well.
और उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी ना? उसी परमवीर सिंह की बेटी है ये पूजा। हाँ। इनकी होने वाली बहू है। What? पूजा? This is पूजा? And बहू of this house? इतना सुंदर संबंध के होते हुए आप अपने बेटे का संबंध कहीं और क्यों जोड़ना चाहते हैं? सर जी, असल बात यह है कि ठाकुर जी का बेटा पूजा को बहन समझकर पूछता है। भाई बहन ही है, सही कहा ना भैया? बेशक बेशक, बहन से कैसे। यू आर रियली अ सेंसिबल पर्सन। क्या कहा? एक जवान लड़की के घर में होते हुए खुद के बेटे की शादी करवाना मुझे तो ठीक नहीं लगता सर। ये देख बैंक, हमारे घर की लड़की के साथ हमें क्या करवाना क्या नहीं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। डियर समधियों, अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक पते की बात कहूं क्या? आपको जो कहना है कहिए समधी जी, हमको कोई एतराज नहीं है। एक जवान लड़की को आपने अपने घर में पनाह दी, ऐसे में हमारी बेटियों का हाथ आपके बेटों के हाथों में देने से पहले हमें सोचना होगा। पूजा को लेकर के आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं समधी जी। पहले आप पूजा की शादी किसी अच्छे घराने में करवाइए, उसके बाद हम लोग अपने बच्चों की शादी तय कर लेंगे। अचानक शादी कैसे करवाएंगे? अच्छा वर तो मिलना चाहिए ना। ओह नो, व्हाट यू आर टॉकिंग। अगर आप चाहे तो चट मंगनी पट भी आ। देखिए, अपनी बेटियों के लिए हम अच्छे वर के खातिर अमेरिका से इंडिया आ रहे हैं, और हमें यहाँ बहुत अच्छी फैमिली मिली क्या? हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। पूजा के लिए हम सब लोग मिलकर एक अच्छा वर जरूर ढूंढ निकालेंगे। ओके, आपकी क्या राय है? वो क्या है कि चुपचाप सर जी का हुकुम मानिए। अगर आप लोग टेंशन देंगे ना तो वो शादी कैंसिल करके यहाँ से चले जाएंगे। अपना मुंह बंद कीजिए और उनकी बात सुनिए। सबसे नाइस कहा था या कुछ और भी? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? आइए, मुझे आपसे बात करनी है। ये टच करके क्यों बात कर रहे हो? भैंस को टच करके मुझे टच करा? कौन है तू? पता है मैं इकबाल सर ही है ना। वो पहले और अब इकबाल जीनियस। इस छोटे से दिमाग के अंदर मेगावाट पावर रख के घूम रहा हूँ, बिना जाने क्या करता हूँ ये तो वो भी नहीं जानता। ओ, ओ, आप कुछ नहीं जानते सर। छी, मुंह बंद कर। मैं कुछ नहीं जानता? अगर मैं चाहूँ तो मेरी हॉर्स पावर यूज करके तुम्हारी आंखों के सामने नई दुनिया बना सकता हूँ। अभी दिखाऊं? अभी दिखाता हूँ। ये तो ट्रेलर था रे, पूरी पिक्चर दिखाऊंगा बाद में। तू मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तू दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी है, एक नई दुनिया बसाने का सपना देखता है, एक हाथ लगाए ना तो दीवार से जाके चिपकेगा। कंडा, जो स्क्रिप्ट में नहीं है वो बात क्यों कर रहा है तू? स्क्रिप्ट का नाम लिया ना तो मुंह तोड़ दूंगा। वो ठंडा पानी तेरा भांजा है क्या? वैसे स्क्रिप्ट के मुताबिक ठंडा पानी भी नहीं लिखा था। शिवा, ये भी स्क्रिप्ट है क्या? नहीं। तो सुन, वो कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब मैं जानता हूँ सर। वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्या है थोड़ा बताएंगे क्या? बताता हूँ। सर उदास मत होइए, जिंदगी एक फिसलन है, कहीं भी फिसल जाती है। मामा यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? अंदर वॉशिंगटन प्रताप सिंह बुला रहे हैं। बस करो, तुम्हारी पोल खुल गई है। किसने मुझे बुलाया? वही वॉशिंगटन, वही वॉश बेसिन प्रताप सिंह ना, वो शक्तिमान। हाँ, शक्ति सिंह क्या? और उसके साथ जो देखची जैसी घूमती रहती है उसका नाम क्या है? बता बता बता। लक्ष्मी। हाँ, उसने मुझे नहीं बुलाया क्या? क्या हुआ मामा? कौन सा मामा? आप क्या, मैं तेरा मामा हूँ? मैं क्रिएटर हूँ क्या? मैं राजेश खन्ना हूँ? मैं जितेंद्र हूँ? मैं राज कपूर हूँ क्या? आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। उसकी गलती के लिए आप खूनी क्यों बन रहे हैं? फिलहाल मेरा कातिल बनना जरूरी है, क्योंकि इसने जो पाप किया उस वजह से कई दिनों से मैं दो गेंडे भाइयों के बीच में खून की तरह पिसता जा रहा हूँ। ए बिड़ू, तू यहाँ से भाग जा वरना मैं तेरा टेटवा दबा दूंगा। आपको क्या हुआ है मामा? मामा बोला, फिर से मामा बोला तो मैं तेरा मामा हूँ क्या? मार डालूंगा, खुद को मार दूंगा, खुद को मारूंगा, खुद को मारूंगा, खुद को मारूंगा मैं। सर सर, मामा चला गया सर। भाग गया ना वो? वो भाग गया ना? ब्लड रिस रहा है, देखा तुमने? नहीं आया सर। यहाँ यहाँ रिस रहा है, उसे मैं इस जन्म में तो नहीं छोड़ूंगा। सर अब आपको सावधान रहना होगा, वरना वो दोनों गेंडे आपको मार डालेंगे। क्यों रो रहे हैं सर आप? सर आवाज नहीं आ रही है। सब मुझे ही क्यों चकमा दे रहे? मत रोइए सर, मत रोइए। ये फिर से क्यों रोने लगे सर?
बनियान उठाते ही तुम्हारी बॉडी की ऐसी बदबू आई कि नाक बंद हो गया। वैसे कितने दिन में नहाता है बे तू? कम से कम 6 महीने सर। तेरी बॉडी में खून की जगह गटर का पानी मिला है क्या? अपनी आधी दौलत जाने वाली है यह जानकर इससे ब्याह करने कौन आएगा भैया? उसका ब्याह नहीं कराएंगे तो ये लोग मानेंगे नहीं। हमारी सारी मेहनत बेकार होने वाली है, सारी की सारी मेहनत कुछ भी नहीं। आजा, सबसे पहले इसे ही मारना चाहिए। मेरी क्या गलती है सरकार? मेरी गलती क्या है सरकार? क्यों रे, तुरंत पूजा की शादी कराने के लिए हम लोग अच्छा वर ढूंढेंगे कहाँ से? यहाँ करेक्ट सरकार, इसलिए तो एक उपाय के साथ आया हूँ। क्या है वो उपाय? हम लोग उनकी रखी कंडीशन को क्यों मानेंगे सरकार? हमारा नसीब इतना खोटा तो नहीं है। मेरे ख्याल से आप दोनों के बेटे में से किसी एक से पूजा का ब्याह करा के उसे अपने घर की बहू बना लेंगे सरकार। बड़े भाई, इसकी बोटी बोटी काट कर गटर में बहा दे। बोलो मत करो सरकार। ए सरकार, किधर है? क्यों रे, हमारी दौलत को बैंक के नाम करके बैंक के दरवाजे पर खड़े होकर अल्लाह के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, यही करने को कह रहा है क्या तू? ये किसी काम के लायक नहीं है। तू शिवा को बुला। शिवा? ए शिवा कहाँ गया? शिवा शिवा यहाँ नहीं, हो तो गांव चला गया। क्यों रे, यहाँ इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और उसे अभी गाँव भेजना था तुझे? वो गाँव में उसकी माँ उसके लिए मधु ढूंढ रही है। नहीं, मधु ढूंढ रही है ना, शादी का मामला है, ये कहकर चला गया यहाँ से। शादी का मामला? ये भाई इधर आ। तू समझ गया ना? ये का सरकार, तेरा वो भांजा ना, उसके पास दौलत दौलत है क्या? कुछ नहीं है सरकार, कर्ज में डूबा हुआ है, रोटी के लाले पड़े, एक ही तो चड्डी है उसकी, उसी को रोजाना धोता है पहनता है, संडे के दिन तो वो भी नहीं पहनता, वैसे ही खाली घूमता है। फंस गया सरकार। तुम्हें तो जरा भी अकल नहीं है का? हाँ, क्या है सरकार? तुम्हारे भांजे की शादी अगर हम अपनी पूजा से करा दे तो समझो सारी समस्या उड़ गई। सरकार सरकार। प्रणाम सरकार। आजा 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 आजा। अरे तेरे मामा ने कहा था कि तू गांव चला गया है। मैं जाने से पहले आप जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ सर। कितनी इज्जत करता है ना हमारी। पहले मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। अरे तुम भी तो मेरे बेटे की तरह हो, फिर किस लिए बाहर वधू ढूंढ रहे हो? हम दोनों भाइयों ने मिलके एक फैसला कर लिया है और वो ये है कि हमारी पूजा की शादी होगी तो सिर्फ तुम से ही होगी। तुम क्या कहते हो? मैं क्या बोलू सर, अगर मामा को ओके है तो मुझे भी ओके। मामा आंसुओं को रोकिए, आगे काम आएंगे। देख कैसे रोकता हूँ। सरकार ये शादी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए बे? कतई ही नहीं, नहीं होगी ये बोलने वाला था। क्यों नहीं होगी? सरकार मेरी दीदी बहुत सेंटिमेंटल टाइप की है, इस प्रकार इंटरकास्ट मैरिज से सख्त नफरत है उसे। छे, रोटी के लाले पड़े हैं और तू ठाकुर खानदान की बेटी को ठुकरा रहा है, तो चुपचाप वही कर जो हम लोग बोल रहे हैं, समझ गया ना? खैर छोड़ो, पूजा बेटी आओ। आओ बेटी, देखो तुम्हारा ब्याह शिवा से कराने का फैसला कर लिया हम दोनों भाइयों ने, तुम क्या कहती हो? इतनी सोच क्या रही है? अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम दोनों मिलकर अकाउंट संभाल लेना। इतना अकाउंट देखने के बाद भी दिल नहीं भरा तेरा? यही आप सबकी इच्छा है तो फिर ठीक है मामा। ठीक है बेटी, अब तुम जाओ। सरकार इसमें एक प्रॉब्लम है। अब कौन सी नई प्रॉब्लम आ गई? मामा ने जैसे बोला वैसे मेरी माँ सेंटिमेंटल टाइप की है, ये जो संतोष है ना, उन्होंने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि किसी ने शादी के मंडप से पूजा को जबरन उठवा लिया था। इसकी खबर कहीं मेरी माँ को लगे तो वो बहुत दुखी हो जाएगी। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है? ए, इसी वक्त उस नमूने को यहाँ खींच के लाओ। सलाम सर। ए संतोष, हाँ? पूजा को शादी के मंडप से किसने उठवाया था बोल? कितनी बार आपको बोल चुका हूँ सर, उसका तो मैंने फोटो भी दिखाया था। ये बिल्कुल झूठ है, पूजा को उठा के ले जाने वाला ये बंदा। सर एकदम सही सर, आपको कैसे पता चला कि यही है सर? बिल्कुल यही है, मैंने इसको ही लिफ्ट दी थी सर। अभी जो बोला वो सही है। जाओ इसी प्रकार से पूरे गांव में बात टेप की तरह फैला दो। जाओ सर। बोला ना जा। अच्छा शिवा,
अब तुम खुश हो ना? मेरी प्रॉब्लम ओवर सर, बहुत शुक्रिया। ए बोले इधर आ। एक्टिंग कैसी रही मामा? एक्का सर, यहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहानी तो मेरी है, लेकिन मेरी ही जानकारी के बिना बहुत सारे किरदार आ गए हैं इसमें। लेकिन इसका अंत क्या होगा? पता नहीं, लेकिन मुझे पता है। क्या? गिरफ्तारी। किसे? वेरी गुड, मगर दूल्हा कौन है? यही है दूल्हा। ओ शिवा, एक्का का भांजा ये। और एक्का हम दोनों भाइयों के घर में एक वफादार कुत्ते की तरह काम करता है, इस पर हमें पूरा भरोसा। पूरा भरोसा है ना, तो पगार में 2-3 हजार रुपए बढ़ा क्यों नहीं देते? ये छोड़कर उस पूजा को इसके सर में बांध के इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ए एका, कोई बात नहीं, छोड़िए सर। वैसे भी मेरी माँ इंटरकास्ट मैरिज के लिए राजी नहीं होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे मामा भी शादी के खिलाफ हैं। और एक अनाथ की तरह मैं शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहता। शिवा, तुम्हारे दर्द को मैं समझता हूँ। मिस्टर एका, क्या है? हमारे समधी के मुंह वाली बहन की बेटी से शादी करने वाला शिवा, रिश्ते में हमारा क्या लगता है? हाँ, खुद ही पूछ लीजिए। hey, इतना भी नहीं जानते क्या? बेटे का रिश्ता लगेगा। You are right, समधी जी। जैसे इकबाल आपके परिवार वालों के लिए भरोसेमंद है, ठीक वैसे ही शिवा हमारे परिवार के लिए काफी भरोसेमंद है। इसीलिए शिवा को हम अपना वारिस समझ के बड़ी धूमधाम से शिवा की शादी करवा देते हैं। क्यों? हाँ, ठीक है ना? अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन मुझे कुछ थोड़ा सा शक। सही फरमाया, आपका शक जायज है। ये शादी नहीं होगी, तुरंत रोकनी होगी, रथ मंगवाई हम प्रस्थान करेंगे। अब मुंह बंद कर, नहीं तो एक मारूंगा थोपड़े का नक्शा बदल जाएगा। वारिस बोल रहे हैं, दौलत का बंटवारा तो नहीं होगा ना? इस शक को अपने दिल से निकाल दीजिए। हमारी सारी दौलत हमारे होने वाले दोनों दामादों को ही मिलेगी, करेक्ट है ना भैया? बिल्कुल ठीक है, अब तो आपका शक दूर हो गया ना? बाप रे, अब कोई समस्या नहीं है। अरे और क्या करना है, शादी करनी है। क्या हो गया? गोली मार दिए सरकार। मुझे आई गया ना समधी जी, ये तो कुछ नहीं, समझ आ गया। आगे देखते जाएंगे। आओ वीरू, आओ आओ। तुम्हारी सेहत कैसी है? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? उस पे क्यों चिल्ला रहा है? सरकार, ये वही है जिसने पूजा को शादी का मंडप सजाया था। भैया ना तू, शिवा इधर आओ। जो मैंने सुना वो सच है? आपने तो सबसे ऐसे कहने के लिए बोला था। सबके सामने अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। हेलो ब्रदर, आई एम कमिंग। तू बोल, पूजा मैडम को शादी के मंडप से किसने उठाया था? बोल तू। इसी ने। देखा सर, आपने कहा था वैसे ही बोल दिया ना? हाँ? ओ, 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 ओ ये बात है। तूने इसे लिख नहीं दी थी क्या? ए वीरू, सब पता है, मुझे सब पता है। तू चुप कर, चुप कर, तू चुप कर। समधी जी, ये बोल क्या रहा है टकला? कोई बड़ी बात नहीं समधी जी। ओके। उसके सर पे मार पड़ी है ना, इसलिए न जाने क्या के जा रहा है ये। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सीधी बात है, जो समझ नहीं पा रहे वही हो रहा है। ऊपर से ऐसा लगता है तुम कोमा से बाहर आए हो, नहीं समझोगे। वीरू मेरी बात सुनो, तुम घबराओ मत। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर के ना तुम घर में आराम करो। हाँ, जाओ जाओ। बोला ना, जाओ जाओ। आइए भैया, आइए समझी जी, हम पत्ते खेलते हैं। संतोष। थैंक्स। तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हारे पूरे परिवार को खतरा उठाते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस संतोष को इसी से संतुष्टि मिली। ओके, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। मैं चलता हूँ। हाँ, आ रहा हूँ। G
Cheers, cheers. Sampi ji, जब से आप यहाँ आए तब से हर दिन त्योहार का दिन लगता है. हाँ भैया, सच कहूँ तो पैसों की खातिर ही हमने आपसे संबंध बढ़ाया, लेकिन अब आपके परिवार से जान पहचान होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारे गुण ही बदल गए. सच बात है समधी जी. आप दोनों की बातें सुनकर मेरे मन को बहुत खुशी हो रही है. संधि जी, हम लोग आगे भी ऐसे ही रहेंगे. बिल्कुल भैया. टाइम हो गया है, आप खाना खाएं संधि जी. हाँ ओके, वन मिनट. ठीक है, तुम्हें चाहिए क्या? ये साड़ी साड़ी कैसी है? नहीं नहीं, मुझे तो ये पसंद है. हाँ, ये बहुत अच्छी है. ये वाली भी देखो ना. लक्ष्मी, तुमने खाना खा लिया क्या? अभी तक नहीं खाया. ये क्या लक्ष्मी, 10 बजने वाले हैं, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? देखो तुम्हें पहले से एसिडिटी प्रॉब्लम है, टाइम से खाना खाया करो. अरे मैं खा लूंगी. लक्ष्मी बोलिए. आई लव यू डियर. मी टू डियर. वो साड़ी दिखाइए तो. देखा भैया, समधि जी को तुमने समधन जी को फोन लगा करके किस तरह प्यार से बातें कर रहे. ये क्या समधि जी, हम लोग तो अपनी घरवाली से ये सब नहीं पूछते. चाहे 2 दिन ही क्यों ना बीत जाए, हमारे खाने के बाद जो बचता है वही वो लोग खाती हैं, और नहीं तो ढेंके चका. सही बोला तुमने. ये गलत बात है, वो आपकी पत्नी जो है उनकी दुनिया बड़ी छोटी होती है. हमेशा पति बच्चे घर के बारे में सोचती हैं, हमारे लिए जीती हैं. ऐसी देवी का आदर करना हमारा फर्ज बनता है. अगर हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो भला कौन सोचेगा. खैर टाइम हो गया है, डिनर कर लेना चाहिए. अरे रुके रुके समधी जी, 2 मिनट. अच्छा वाला से. हेलो भाभी जी, मैं चुलबुल बोल रहा हूँ. थोड़ा अपनी बहन को फोन दीजिए ना, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, जरा प्लीज. हाँ ये बहुत पसंद है, मैं रख लेती हूँ. हाँ, वो तुमसे बात करना चाहते हैं. क्या कह रही हैं आप, मेरे लिए फोन? हाँ? नहीं मैं क्या बात बात करो, सुनिए. बात हो रही है, बात कीजिए ना. क्या है जी? क्यों जी मीनाक्षी? हाँ? तुमने खाना खा लिया ना? मैं कैसे खा सकती हूँ, आपने नहीं खाया ना. मेरी बात सुनो, अगर तुमने देर से खाना खाया ना तो एसिडिटी हो जाएगी. क्या? पागल लड़की, कुछ भी नहीं समझती. ठीक है ठीक है ठीक है, आई लव यू. अरे बाप रे. बोलो ना, बोलो, बोलिए ना, बोलो. मी टू. बोलो मी टू. मैं नहीं बोल सकती. बोलो ना. अरे बोलो, अरे बोलो. मिठू कहा मतलब? यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, कुछ भी नहीं. नहीं फोन तो मुझे. जाओ. हेलो. हेलो बोलिए बाबूजी. ए सासू माँ को दो. बाबूजी का फोन. स्पीकर स्पीकर. आपका फोन. बात कीजिए ना, बात कीजिए. हेलो शिवकामी, मैं हूँ. तुमने खाना खा लिया? अभी तक तो नहीं. टाइम पे खाना, वरना एनी मिट्टी आ जाएगी. ठीक है मैं अभी जाकर खाती. शिवगामी, आई लव यू. आई लव यू. आई एम एन इडियट. मी टू. आई लव यू. बोलिए. मी टू. मी टू. मी टू. बोलिए. मी टू. मी टू. अरे मजा आ गया. थोड़ा खा लेना बेटी. नहीं आंटी बस. थोड़ा खा लेना बेटी. खा ले बेटी.
पता नहीं तुझे खिलाने का मौका हमें दोबारा मिले कि ना। खा ले बेटी, ससुराल पहुंच के हमें भूल मत जाना। बहुत याद आएगी तेरी हमें। मिलती रहना बेटी। आंटी, आप दोनों मेरा सब कुछ है। हाय आंटी। हाय। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, ये लो। बड़ी माँ ने कहा कि ये नेकलेस जल्दी से पूजा को देके आ जाओ। ठीक। ये देने के लिए तुम क्यों आए? किसी और से भिजवा देते। ये तो बस मिलने का एक बहाना है। बेटा, तुम यहाँ खड़े रहोगे तो दुल्हन तैयार कैसे होगी? बेटा, इस तरह से खड़े रहोगे तो तैयार कब होगे? हेलो शिवा, नेकलेस दे दिया ना? हाँ बड़ी माँ। और बड़ी माँ, वॉशिंगटन प्रताप सिंह और शिकागो शक्तिमान क्या कर रहे हैं? ठीक है बेटा। लास्ट मिनट में ओवर एक्टिंग करके कहीं काम ना बिगाड़ दे। शिवा, टाइम हो रहा है, जल्दी आ। हाँ बड़ी माँ। ठीक है। हाँ हाँ आ रहा हूँ, जरा सावधानी से रहना। हाँ, ठीक है, बाय। जमाई राजा, मंडप कहाँ है पता है? गलती से आर्य शादी मंडप में मत चले जाना। भूल कर भी मान जाऊंगा, वहीं से तो ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। अगर नहीं जाते तो पूजा कहाँ मिलती? तूने हमारे गांव में आकर हमें बुद्धू बनाया? तेरे परिवार से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। बेटा, आंटी, आप पूजा को लेकर मंडप जाइए, मैं अभी आता हूँ। दीदी, बहू को बुलाओ, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना है। अभी बुलाता हूँ। शिव कमी, भैया आज तो पूजा बिल्कुल अपनी माँ जैसी सुंदर लग रही है। बिल्कुल सही कहा तुमने, माँ जैसी ही लग रही है। खाली पैसों के लिए ऐसा लगता है कि मैंने इस बच्ची का गला घोट दिया। क्या पता इसके ससुराल वाले इसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। भैया, हम हमेशा पूजा को चावल की बोरियां भेजा करेंगे। हाँ, तुम फिक्र मत करो। हाँ, वो जहां भी रहेगी हम अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल करेंगे।
अगर एक बूंद भी उसने आंसू बहाया ना तो इस एक्का को हम धो डालेंगे। जीती रहो बेटी। बेटी तुम हमें छोड़कर जा रही हो यह सोचकर कभी दुखी मत होना। तुम्हें ससुराल में कोई समस्या हो ना तो एक ही फोन काफी है मेरे लिए। अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए मेरे। ये क्या गलती और तुमसे? एक देवी की कोख से जन्मी है तू, कभी गलती नहीं करेगी। ऐसे मत रो बेटी वरना मैं भी रो पड़ूंगा। तुम तो हमारे कुल की कुल दीपक हो बेटा। हम लोगों की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। हाँ तुम ससुराल में हमेशा खुश रहना। चलो बेटी। hey, गेट बंद कर दो, यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। hey! hey, धनराज क्या हुआ तुम्हें? बहुत बुरा हुआ, हम सबको उल्लू बनाया गया है। उस दिन शादी के मंडप से पूजा को उठाने वाला यही है, हमारे वीर को मारकर अस्पताल पहुंचाने वाला यही है। ये हमें लालच देकर सबकी नजरों में अच्छा बन रहा है। मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। hey! उसने जो बोला सच है क्या? बोलना। जी बिल्कुल। ऐसा तुमने क्यों किया? मेरा पूजा को उठवाकर शादी करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि सबके सामने शादी करने का इरादा था, यही है। आप सबके आशीर्वाद से पूजा की शादी हो यही पूजा की माँ की इच्छा थी, और आप सबकी सहमति से पूजा से विवाह करके घर ले जाना मेरे घर वालों की इच्छा है। दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने किया। अरे इसके मुंह क्यों लग रहे हैं? मैं इसे देखता हूं। धनराज नहीं, धनराज नहीं, मेरी बात सुन। धनराज मेरी बात सुन। धनराज सुन मेरी बात। धनराज छोड़ो इन्हें। आज तक मैंने किसी की नहीं सुनी। तेरी खाल खींच लूंगा। तूने जिस पर हाथ उठाया वो मेरे भाई हैं। सरकार धोखा उसने दिया, हम आपस में लड़ रहे हैं। उसने कोई धोखा नहीं दिया हमें, बल्कि जानवर से इंसान बनाया है। बरसों से हम जिस दुश्मनी की आग में जलकर एक दूसरे को मारना चाहते थे, लेकिन आज जब उसके बेटे ने मुझ पे हाथ उठाया तो उस बेचारे को गुस्सा आया। हे भाई तुम्हें कुछ याद है कि हमारे सुखी परिवार आखिरी बार कब इस तरह से रहे थे? सोच कर देखो, हमने कभी अपने घर की औरतों को मान दिया है क्या? नहीं दिए ना है? पूजा को अपना जीवन साथी बनाने की खातिर इसने हमारे जीवन को ही बदल के रख दिया, फिर कैसे कह सकते कि इसने हमको धोखा दिया है? ए, महिला की कद्र करने वाला एक नेक महिला की कोख से जन्मा होगा। इसकी खातिर अपना सब कुछ छोड़कर ये जो हमारे घर की चौखट पर खड़े हैं, इन्हें अब भी हम नहीं समझेंगे तो हम इंसान ही नहीं है। भैया भैया ये क्या भैया, इतने अच्छे परिवार में हमारी पूजा को हम भेज रहे हैं, इसी बात से हमें खुशी हो रही है भैया। ए इधर आ, तुझे बोल रहा हूं। आ माफ कीजिएगा, आपको धोखा देने का हमारा कोई इरादा नहीं था। आपके परिवार को मिलाने का इसका इरादा अच्छा था, इसलिए इसके नाटक में हम भी शामिल हो गए। फिर भी इस नादान के साथ नाटक में हम भी मिल गए, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। ये कोई नादान नहीं है और हम इसे माफ भी नहीं कर सकते। हाँ क्योंकि अब मेरी बेटी आपके घर की बहू जो है, समझ गए ना समधी जी? आप सबों के चले जाने के बाद यह घर सूना हो जाएगा, हम लोगों का मन नहीं लगेगा, इसीलिए अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो हम सब आपके घर आकर दो चार दिन रह जाएं क्या?
सिर्फ दो दिन अगर आप पूरा न माने तो। दो दिन क्यों, आप दो महीने यहाँ आराम से रह सकते हैं। लेकिन वो क्या है कि आपकी पत्नी कहाँ गई? बहन जरा इधर आना, देखिए आते समय आप इनको भी देखिए। वो क्या है कि हम सब लोग मिलकर नाटक करेंगे, क्योंकि हमें बचपन से नाटक करने की आदत रही है ना। जीवा तुम क्या कहते हो? जी वो कहना क्या है, मेरे मामा को ऊपर से SMS आता है, तभी बोल पाऊंगा।